अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। देखें, याद रखिएगा, मैकलॉरिन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आने के बहुत हद तक चांसेस हैं, इसको आप ना छोड़िएगा। सही है। अच्छा, इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है और क्वेश्चन 1, 2, 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉफ्टवेयर से होना है जिसका नाम मैपल है, तो जब मैं वो सॉफ्टवेयर का चैप्टर आपको कराऊंगा तो ये क्वेश्चन भी उसमें साथ करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई गेस्ट पेपर्स हमारे बन गए हैं जिसकी फ़ीस हमारी जो है ना वो 200 है। याद रखना, ये गेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस गेस्ट पेपर में हमने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, MCQs भी दिए हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हुए, जो क्वेश्चन शॉर्ट में आने हैं और जो लॉन्ग में, तो आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपने प्रैक्टिस की हुई होगी, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। एक बात याद रखना कि भाई ये जो 200 है ना, ये तमाम सब्जेक्ट की फ़ीस है, ऑल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर बाय कर लेना, नंबर आ रहा है उसी पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। कुछ ना समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूँगा। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रही आपके पास मैकलॉरिन सीरीज़। सिर्फ कुछ मिनट इसको दे लो, जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे यकीन मानो बहुत हलवा हो जाएंगे। आप बोलोगे सर बस एक सवाल करा दें, बाकी खुद कर लेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले समझो मैकलॉरिन सीरीज़ होती क्या है। ये आपके पास मैकलॉरिन सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है और ये इसका बेसिक फार्मूला है। सबसे पहले ये समझ लो, ये खुद ही समझ आ जाएगा। देखो, मैकलॉरिन सीरीज़ में आपके पास क्या होता है, फंक्शन होता है। देखो लिखा हुआ, इट इज़ अ स्पेसिफिक वे टू एक्सपेंड अ फंक्शन। यानी आपके पास एक फंक्शन होगा, फंक्शन इस तरह से होता है। ठीक है। अच्छा, अब उस फंक्शन को आप क्या कर रहे होगे, टर्म के अंदर, यानी उसके अंदर टर्म होंगी और उसका सम हो रहा होगा और उसको एक्सपेंड किया जा रहा होगा। बात समझ आई? चलो थोड़ा आसान करता हूँ। देखो, आपके पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन की जो टर्म्स हैं, यानी इस फंक्शन को एक्सपेंड किया जा रहा है, यानी इस फंक्शन में कौन कौन सी टर्म्स आ सकती हैं वो आपके पास लिखी हुई हैं और उन टर्म का क्या हो रहा होगा, सम। देखो, ये एक टर्म आ गई इस फंक्शन में, उसका सम हो रहा है, ये दूसरी टर्म आ गई उसका सम हो रहा है, तीसरी टर्म आ गई सम, तो तमाम टर्म्स का क्या हो रहा होगा, सम हो रहा होगा। तीन चीज़ें आपने पढ़ी, एक क्या फंक्शन होगा मैकलॉरिन सीरीज में, दूसरा उसको एक्सपेंड कर रहे होगे और टर्म्स जो हैं उनका सम हो रहा होगा। अच्छा, आपके पास जो एक्स होगा उसके ऊपर होगी पावर। देखो यहाँ पर एक्स की पावर, यहाँ पर भी एक्स है लेकिन वहाँ एक्स की पावर 0 है तो इसलिए 1 लिख दिया। अब यहाँ एक्स की पावर 1, 2, 3। अब देखो, अब अगर आपने डेफिनेशन समझ ली तो अब मैकलॉरिन सीरीज आसान हो गई। देखो है क्या, आपके पास है एफ एन फंक्शन है, उसके बाद आ गया एफ। अच्छा, यहाँ पर एक्स जो भी होगा ना मैकलॉरिन सीरीज में, आप एक्स को 0 ले लोगे। ठीक है। देखो तो यहाँ 0, 0, 0, 0। अब सही है। अब ये जो प्राइम है ना, इसका मकसद समझो। देखो, एक एक नुक्ते को भी समझो। इस प्राइम का मतलब है डेरिवेटिव। ठीक है। डेरिवेटिव क्या मतलब है इसका, डेरिवेटिव यहाँ लिख लो, इसका मतलब है डेरिवेटिव। ये जो प्राइम लगा हुआ है इसका मतलब है डेरिवेटिव। अब ज़रा इसको समझो, अगर ये एक बार है तो इसका मतलब है एक टाइम डेरिवेटिव हुआ है, अगर ये दो बार है इसका मतलब है दो बार डेरिवेटिव हुआ है, अगर ये तीन बार है तो तीन बार डेरिवेटिव होगा। अब जब सवाल कराऊंगा तो वो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, होता हुआ डेरिवेटिव इसको लिख लेना। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, एफ और फिर 0। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स, यहाँ 0, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अच्छा, अब देखो पावर में क्या चल रहा है, इससे देखो, इधर डिनोमिनेटर देखो, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 1। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए नीचे लिखा नहीं है, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। लेकिन देखो अब क्या हो गया, 2, 3। अब एक्स देखो क्या है, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, या 2 था, या 3 था। अब क्या आप मेरे को बता सकते हो कि एन टर्म क्या बनेगी इसकी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि 3 टर्म तक खोलो। अभी ये कितनी टर्म तक खुला हुआ है, ये 3 टर्म तक खुला हुआ है, 1, 2, 3, 4। बेसिकली इसको हटा के बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 टर्म। अब अगर मैं बोलूँ एन टर्म बताओ, एन टर्म क्या होगी, तो देखो पैटर्न नज़र आ रहा है कि एक्स के ऊपर क्या हो रहा है, 1, 1, 2, 3, यानी एक्स की पावर एन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एफ पे क्या हो रहा है, एफ का देखो 1, 2, 3, यानी उसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ एन लगा दो। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, 0 आ रहा है सबके साथ, देखो 0, 0, 0, 0। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 1 का फैक्टोरियल, अगर 1 का फैक्टोरियल हो तो 1 ही आता है, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ एन का फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसको याद रखना, इसी की मदद से मैं सारी की सारी
क्वेश्चंस जो हैं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको करा दूंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, मैकलॉरिन सीरीज क्या है पता चल गई। अब जो है हम करते हैं इसका क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब आपके सामने है पहला क्वेश्चन। अच्छा देखो आपने करना कैसे है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स, तो इसको पहले फंक्शन की फॉर्म में बना के लिख लो ताकि आपको याद रहे, ये हो गया एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा अब आता क्या है, मैंने कहा था एक्स जहाँ भी हो मैकलॉरिन सीरीज में आप ज़ीरो रखोगे, कहीं भी एक्स नज़र आ जाए ज़ीरो रखोगे। चलो बात क्लियरिटी में आ गई, मतलब फंक्शन में, ठीक है फंक्शन में ज़ीरो रखने का कह रहा हूँ, वहाँ ज़ीरो नहीं रख दीजिएगा मैकलॉरिन सीरीज में, वरना तो फिर पूरा ही सीरीज ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा अब देखो आगे क्या करना है, अब आपने लिखनी है मैकलॉरिन सीरीज। ठीक है, मैकलॉरिन सीरीज, अभी सवाल समझा रहा हूँ मैं, पहले सोल्यूशन कैसे करना है वो समझ लो। एफ ज़ीरो एफ एक्स, एक्स तक रहोगे ना इसलिए एफ एक्स करो। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, एफ ज़ीरो प्लस और एफ एक्स आता पहले, ठीक है एक्स पावर वन आ गई, फिर आपने लिख दिया डेरिवेटिव हो गया ज़ीरो, उसके बाद आपका वन डिनोमिनेटर में होता है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। फिर एक्स टू और फिर आपका दो टाइम हो गया ज़ीरो और फिर टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स थ्री, थ्री हो गया ज़ीरो हो गया और थ्री का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह ही आगे भी चल रहा है। अब देखो करना क्या है सवाल में, ऑब्टेन द फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी आपने मैकलॉरिन सीरीज को इस फंक्शन के लिए तीन टर्म तक खोलना है। अब कैसे खोलना मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, ऑफ द मैकलॉरिन सीरीज, यानी आपने इस फंक्शन को इस तरह सॉल्व करना है कि ये तीन टर्म तक खुल जाए, यानी तीन टर्म्स आनी चाहिए मैकलॉरिन सीरीज लगाने के बाद, तीन टर्म्स आनी चाहिए आंसर के अंदर। अब देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब देखो करना क्या है, डेरिवेटिव लेना है, यानी एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख कर डेरिवेटिव लेना है आपने। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ ज़ीरो रख देते हैं, देखो ये मैंने ज़ीरो रख दिया और अब देखो यहाँ ज़ीरो रखा तो आपको यहाँ भी ज़ीरो रखना पड़ेगा, तो एफ एक्स ज़ीरो रखने पर आपके पास क्या आ रहा है, वन। ठीक है, वन आ रहा है ना, कॉस ज़ीरो वन होता है। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, एफ का देखो यहाँ तो डायरेक्ट मैंने क्यों ज़ीरो रख दिया, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं लेना था, बगैर डेरिवेटिव लिए जो है आपने एक्स पुट करना था जो कि ज़ीरो था, तो हमारा वन आ गया। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन का पहली टाइम डेरिवेटिव लेना है फिर ज़ीरो पुट करना है, फिर आपने क्या करना है इस फंक्शन का दूसरी टाइम डेरिवेटिव लेना है, इस फंक्शन का दूसरी टाइम डेरिवेटिव लेना है फिर ज़ीरो पुट करना है, फिर इस फंक्शन का तीसरी टाइम डेरिवेटिव लेना है फिर ज़ीरो पुट करना है। तो इतना हम डेरिवेटिव लेंगे कि हमारे पास तीन टर्म बन जाए। ठीक है, तो पहली टर्म हमारे पास जो है वो वन बन गई, अब हमें दो मज़ीद टर्म्स चाहिए, तो अब इसे यहाँ कर लेते हैं। तो हमारा अब आ गया डेरिवेटिव, अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, लिख देते हैं कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं मैकलॉरिन सीरीज में पुट करने के लिए डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसका इस फंक्शन का, इसका याद रखना इसका डेरिवेटिव होगा, देखो क्योंकि हमें क्या चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, ज़ीरो पुट करेंगे लेकिन पहले डेरिवेटिव लेकर। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है सबको पता है, माइनस साइन साइन एक्स। ठीक है, अच्छा अब पुट कर दिया मैंने क्या इसमें ज़ीरो, तो ये मेरा ज़ीरो हो गया, तो ये मेरा ज़ीरो हो गया, तो मेरे पास क्या आया, माइनस साइन एक्स ज़ीरो। याद रखना आप माइनस साइन एक्स ज़ीरो पुट करते हो तो वो ज़ीरो देता है, सही, आप चेक कर सकते हो। अब देखो पहली टर्म तो आ गई, ये तो ज़ीरो हो गया, यानी दूसरी टर्म तो नहीं बनी। अब दूसरी टर्म बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक और टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब देखो इसी का डेरिवेटिव लेना, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, इसी का लेना, क्योंकि एक टाइम हो चुका है तो दूसरी टाइम डेरिवेटिव चाहिए। तो माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी साइन का डेरिवेटिव होता है आपके पास कॉस। ठीक है, तो अब ज़ीरो पुट कर दो, क्योंकि मैंने बोला ना एक्स जहाँ भी होगा ज़ीरो पुट होगा, ज़ीरो पुट कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास कितना, ये हो गया मेरे पास माइनस माइनस कॉस ज़ीरो, तो ये हुआ मेरे पास माइनस वन। ठीक है, बात समझ आ गई ना, माइनस वन आ गया, थोड़ा सा ब्राइटनेस डाउन कर देते, काफ़ी लाइट हो डाउन। अच्छा ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म आ गई, अभी सारी वैल्यूज यहाँ पुट करूँगा मैं मैकलॉरिन में। अब मुझे तीसरी टर्म चाहिए, तीसरी टर्म भी चाहिए, जब तक मेरी तीन टर्म नहीं आएंगी मैं डेरिवेटिव लेता रहूँगा, चाहे वो आपको 10 टाइम डेरिवेटिव लेना हो लेकिन मैं लूँगा।
ठीक है। तो अब मैंने क्या, अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस ऑलरेडी भी मौजूद था, आपने भी माइनस लगा दिया, तो ये इस तरह हो गया। अब तीन टाइम डेरिवेटिव हो गया ना, तो इसलिए ऐसे माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन एक्स हो गया। अच्छा अब एक्स की वैल्यू क्या रखी है बच्चों, हाँ जीरो रखिए, एक टाइम और लगा लो इस पर। तो देखो साइन का डेरिवेटिव अगेन ज़ीरो, चलो ये ज़ीरो हो गया। अब देखो अभी भी मेरे पास तीन टर्म ही बन, दो टर्म बन रही हैं, एक इससे क्योंकि ये तो दो ज़ीरो हो गए, जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो उसको अपनी पूरी चीज़ को ज़ीरो कर देंगे वो, तो मुझे तीन टर्म चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे नहीं करना एक दो तीन चार, नहीं ये तो सिर्फ तीन तक ही आप ऐसे प्राइम लगा सकते हो। अब आप क्या करोगे, अब आप नंबर लिखोगे यानी फोर लिखोगे। अब एफ़ के ऊपर फोर का मतलब क्या है, चौथी टाइम डेरिवेटिव होने जा रहा है फंक्शन का। अब देखो इसका डेरिवेटिव लो, इसका भी ले लो, एक ही बात है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो एफ़ की पावर फोर ज़ीरो इक्वल टू कॉस एक्स। अच्छा अब देखो ज़ीरो रख दो, यहाँ ज़ीरो रख लो, ठीक है। तो कॉस की पावर फोर, साइन की पावर, फंक्शन की पावर में फोर, यानी फोर टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, तो कॉस का डेरिवेटिव वन हो गया। तो देखो एक दो तीन, अब मेरी चार टर्म आ जाएगी। अब जो ये आपने टर्म्स निकाली है ना, इसको इसमें पुट कर दो मैकलॉरन सीरीज़ में, सही है। तो ये आ गया मेरी मैकलॉरन सीरीज़, ठीक है। यहाँ एफ फंक्शन आ गया हमारा, तो इसको हम एस, अभी मैं फंक्शन को एक्स ही लिख रहा हूँ ताकि ना समझने में समझाने में आसानी रहे। अच्छा अब फंक्शन एक्स की जगह आप ये लिखोगे कि फंक्शन एक्स दिया हुआ क्या था, तो फंक्शन एक्स आपको कॉस दिया हुआ था, कॉस एक्स को एक्सपेंड कर रहे हो ना, तो कॉस एक्स आ गया। फंक्शन एक्स किसके बराबर है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आ गया। अच्छा अब ये क्या आया था, एफ ज़ीरो वन आया था, ठीक है। अब समझ में आई क्या बात हो रही थी। अच्छा एक्स एज इट इज़ आ गया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था फंक्शन का, ज़ीरो पुट किया था, आंसर क्या आया था, ज़ीरो। अब देखो हुआ ना कॉन्सेप्ट क्लियर, अब आया ना मज़ा पढ़ने में। अच्छा फिर आ गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने डेरिवेटिव लिया किसका, फंक्शन का, तो क्या आया था आपके पास, वन आ गया था, तो यहाँ लिख दो माइनस वन। अब बाकी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो अब एक्स क्यूब हो गया। अच्छा जब आपने तीन टाइम डेरिवेटिव लिया, ज़ीरो पुट किया एक्स की जगह, तो ज़ीरो ही आ गया था। अच्छा यहाँ स्क्वायर आएगा और उसका फैक्टोरियल भी, अभी ज़ीरो लिख रहे हैं फिर बाद में सॉल्व कर देंगे उसे, ठीक है। अच्छा फिर जब आपने फोर टाइम डेरिवेटिव लिया, तो एक्स की पावर फोर बन जाएगी, ठीक है। मैंने बताया था ना एक्स की पावर बढ़ती रहेगी एक एक करके। अच्छा तो इस क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, समझो। चौथी टर्म भी लिख लो, एक्स की पावर फोर, एफ का फोर टाइम डेरिवेटिव और पावर डिवाइड में फोर, सही। और इसी तरह ही आगे चलता रहेगा। एक मिनट, ये गलत लिख दिया, हमारा वन आया ना, वन लिखना होगा। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो वन एज इट इज़ आ गया, एक्स के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर टू का फैक्टोरियल। अच्छा ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, अब ये आ जाएगा एक्स की पावर फोर और फोर का फैक्टोरियल। बस तीन टर्म तक बोला था ना, अगर ज़्यादा भी बोलते तो ज़्यादा भी खोल देते, बस यहीं पर आंसर है। चलो समझ में आई बात, अब मैच कर लेते हैं कि ठीक क्या है गलत, बिल्कुल ठीक आया है। कॉस एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर थ्री का फैक्टोरियल। तो समझ में आया कैसे काम किया मैंने, पहले सीरीज लिखना, ठीक है, फिर इसको फंक्शन कह लेना क्योंकि यही फंक्शन है आपका, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते रहना एक टाइम दो टाइम तीन टाइम चार टाइम, और जितनी टर्म बोली हैं वहाँ पर आपके पास क्या होगा, ज़ीरो नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वन आ रहा होगा, माइनस वन वन, तो ये मिलकर तीन टर्म बना लेंगे, जो ज़ीरो आ रहा होगा उसको हटा देना क्योंकि वो ज़ीरो मल्टीप्लाई होकर टर्म के साथ ख़त्म कर देगा। एक बार प्रैक्टिस करना, बात समझ आ जाएगी मेरी, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। चलो अगला सवाल कराता हूँ किसी तरह से, इंशाल्लाह वो समझ में आएगा तो बात और अच्छी क्लियर होगी आपके साथ। अच्छा तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, घबराने वाली तो कोई बात है नहीं। ई की पावर एक्स सॉल्यूशन, सबसे पहले से फंक्शन कह लो, ठीक है, तो ये फंक्शन है आपका ई की पावर एक्स। अच्छा अब क्या काम करना है, अब मैकलॉरन सीरीज़ लिखनी है। जस्ट दो तीन स्टेप में बता रहा हूँ ना, अगर इसे आपने फॉलो कर लिया ना, यकीन मानो मैकलॉरन सीरीज़ पे कितना भी हार्ड सवाल आ जाए आपके लिए मुश्किल नहीं है। बस डेरिवेटिव आपको आने चाहिए, वो बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो वैसे तो मुश्किल डेरिवेटिव नहीं देते ये लोग, आपको आसानी देते हैं ताकि आसान हो जाए। अच्छा तो अब आगे चलते हैं, मैकलॉरन सीरीज़ लिख दो जल्दी से। एक्स इसकी जगह पर जब आंसर लिखेंगे तो ये लिख लेंगे, ठीक है, ये ज़ीरो, फिर क्या था एक्स, फिर ज़ीरो और वन है, डिवाइड में लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बता दिया था, ठीक है।
एक्स का स्क्वायर और ये दो टाइम ज़ीरो और टू का फैक्टोरियल प्लस इधर लिख लें क्या, चलो थोड़ा सा ना नीचे लिख लेते हैं वरना फिर वो इधर जगह बच जाएगी ना हमारे को काम करने के लिए। अच्छा तो ये हो गया आपका थोड़ा सा नीचे और एक्स की पावर क्यूब प्लस आ गया, समझ लो आप ऐसे लिख लेना ठीक है भाई, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये लो मैं बीच से तोड़ देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, आप इसके साथ ही लिख लेना ये ज़ीरो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ भाई कि अगर कुछ है नहीं तो बैठ जाए कि भाई कुछ है ही नहीं क्या करें, मैं उन लोगों में से हूँ अगर कुछ नहीं है तो फिर ज़रिए ढूंढता हूँ कि किस तरह चीज़ों को बेहतर कराई जाए ठीक है। तो समझ में आ गया ना, मैक्लॉरिन सीरीज़ हो गई। अच्छा अब सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखकर फंक्शन क्या दे रहा है आपको। तो देखो यार एफ की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ तो ई की पावर भी ज़ीरो हो जाएगी मेरे पास, अगर बात करें तो ये चीज़ आपके पास बराबर होती है वन के बराबर होती है ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, ये अपने कैलकुलेटर उठाओ उसमें रख के चेक कर लो ठीक है, ई की पावर ज़ीरो आएगी तो वो वन आ जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ असल में आप लोगों की नज़र से गुजरती नहीं है ना, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, एक मिनट रुको ज़रा चलने दो। हाँ ये आ गया कैलकुलेटर, ये देखो शिफ्ट दबाना आ गई ना बात, चलो तो ये हो गया ना। अब क्या करना है आपने, आपने डेरिवेटिव लेना है और फिर ज़ीरो पुट करना है, किसका फंक्शन का, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये लाइन मिटा लेते हैं, ये लाइन मसला करेगी बहुत। तो ये आ गया मेरे पास, पहले तो डेरिवेटिव आएगा ना, पहले डेरिवेटिव लिख लो e की पावर x ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं फर्स्ट टाइम लेने जा रहा हूँ तो मेरे पास आएगा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है आप जानते हो। अब मैं इसके अंदर ज़ीरो पुट कर दूँगा तो मेरे पास आएगा e की पावर ज़ीरो और ये मेरे पास आएगा वन ठीक है। बात समझ आई क्या किया, ओ एक मिनट थोड़ा सा फोकस हमारा बिगड़ चुका है ठीक है, थोड़ा सा फोकस ख़राब हो गया था तो मैंने फोकस वापस बहाल कर दिया है ठीक है। तो समझ में आ गया ना क्या किया, अब देखो अब दूसरी टाइम डेरिवेटिव लो तो अब दूसरी टाइम डेरिवेटिव लिया जाएगा, किसका, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा ठीक है। तो ई की पावर एक्स का सेकंड डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स ही होता है, इसका जितना भी डेरिवेटिव ले लो वो ई की पावर एक्स ही रहेगा, आप करके चेक कर सकते हो। तो अब मैंने ज़ीरो पुट कर दिया ठीक है, तो ज़ीरो पुट कर दिया मैंने तो ई की पावर ज़ीरो, तो जो आंसर आएगा ना ये सेकंड डेरिवेटिव है ठीक है, तो ये वन ही आएगा, अगेन वन आएगा। तो देखो तीन टर्म्स हमें मिल गई, एक टर्म यहाँ से आ जाएगी, एक टर्म यहाँ से, एक टर्म यहाँ से, मज़ीद खुलने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इसे मज़ीद डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट हम अपनी मैक्लॉरिन सीरीज़ में चीज़ें पुट करते हैं। तो ई की पावर एक्स क्या था, एफ एक्स क्या था, ई की पावर एक्स, तो ये आ गया सही है ठीक है। अच्छा अब ये क्या आया था, एफ और ये ज़ीरो, ये वन आया था ठीक है, फिर एक्स आ गया। अच्छा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया और फिर ज़ीरो पुट किया तो देख लो वन आया था, तो वन आ गया एक्स स्क्वायर। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया और उसको अंदर हमने फिर ज़ीरो पुट किया तो फिर वन आ गया था ठीक है। तो ये कुछ आ गया है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो जस्ट कुछ इस तरह आ जाएगा, ये वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल। तो यही आपके पास ई की सीरीज़ होती है, तीन टर्म्स बोली थी, तीनों टर्म्स आ चुकी हैं और बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही आया है, ये एक्स की पावर स्क्वायर है ठीक है, समझ में आ गई ना बात। चलो अब इसी तरह से ना इसका क्वेश्चन नंबर मतलब वन का पार्ट थ्री करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये एल एन एक्स प्लस वन, यहाँ वन प्लस एक्स है, हाँ वन प्लस एक्स है बल्कि, एक ही बात है कोई मसला नहीं है, दोनों प्लस ही हो रहे हैं लेकिन फिर भी अगर इस तरह लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है ठीक है। तो ये आपके सामने सवाल मौजूद है कि एल एन वन प्लस एक्स, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने फंक्शन बताना है कि भाई फंक्शन है हमारे पास एल एन और वन प्लस एक्स ठीक है, ये आपकी बात क्लियर हो गई। अब आपने मैक्लॉरिन सीरीज़ बतानी है, मैक्लॉरिन सीरीज़ ठीक है, ये सीरीज़ हो गई हमारी। अब मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या थी कि एफ एक्स लिखेंगे फिर ज़ीरो लिखेंगे प्लस एक्स लिखेंगे, फिर हम इस तरह से जल्दी जल्दी इसको लिख देंगे ठीक है, एक्स का स्क्वायर फिर ये फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब, थोड़ा सा मैंने श्रिंक करके लिखा ना तो सीधा ही आ गया
ये आ गई आपकी सीरीज, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है, ठीक है, चलो सीरीज आ गई। अब x की वैल्यू क्या रख के सॉल्व करनी है हमने, ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पर बगैर डेरिवेटिव रखे, फिर डेरिवेटिव लेके, फिर डबल, फिर ट्रिपल, तो आ जाओ इधर पुट कर रहा हूँ, इसी में पुट कर रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ, टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल को फॉलो करा करें, ठीक है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टाइम टेबल बना हुआ होगा ना, तो आप जब टाइम होगा तो वही काम करेंगे जो करना था। अच्छा याद रखना भाई, x की वैल्यू आपके पास, सॉरी ln की वैल्यू अगर आपके पास 1 आ रही है ना, तो ये आपको 0 देता है, आई थिंक, हाँ 0 देता है, मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। वही अगेन कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है, जैसे आप हर बार करते आए हैं, ठीक है। एक मसला है, ये ऐड चल रहा है कैलकुलेटर में, मोबाइल वाला कैलकुलेटर है ना, ये चल रहा है। देखो ये ln दबा लेना और ये सॉरी 1 दबा लेना, देख रहे हो 0 आंसर आ रहा है, ठीक है, ये लो इससे लिख दिया। अब आगे मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, आगे मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, आपको पता है ये बात। अच्छा अब देखो डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे आपने, तो पहली टर्म तो 0 आ गई, यानी हमें पहली टर्म मिली ही नहीं है अभी तक मैकलॉरेंस में, तो अब हम अपनी पहली टर्म ढूंढेंगे, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब इस पर आके काम करके चेक करते हैं, तो एफ डेरिवेटिव किसका लेना है, याद रखना डेरिवेटिव इसका लेना होगा, तो x डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ln क्या करता है, जो भी पावर जो भी होता है जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो अपॉन में करा देता है हमारे को, है ना। और अब लिख लेते हैं, और हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये 1 आ गया, सही है, समझ आ रहा है क्या हुआ। देखो कुछ भी मुश्किल काम नहीं हुआ, ln क्या करता है, ln का अगर डेरिवेटिव लोगे तो जो भी ln के साथ है वो अपॉन में आ जाएगा, तो ln के साथ क्या था 1 प्लस x, तो वो अपॉन में आ गया, और इसका डेरिवेटिव ले लिया तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो अब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो देख लेते हैं क्या फाइनल आंसर निकल रहा है। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ठीक है 1 आ रहा है, चलो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ ताकि किसी बच्चे को समझने में मुश्किल ना हो, 1 आ रहा है, ठीक है, पहली टर्म मिल गई हमारे को, पहली टर्म यहाँ पर आ गई। अच्छा अब जो हमारा आंसर आया था ना, उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लो, तो मज़े की बात है, इसको ऊपर लेकर आना पड़ेगा पहले हमें, तो इसको हम ऊपर ले आए, 1 प्लस एक्स, अभी डेरिवेटिव हुआ नहीं, अभी जस्ट ऊपर ला के लिखा है, डेरिवेटिव अगले स्टेप में होगा, तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस आ गया जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, सही है। अब डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, जैसे 1 आगे आ गया, माइनस 1 आगे आ गया तो माइनस हो गया, और माइनस के साथ एक ऐड हो जाता है, तो ये माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट 0 पुट कर लेते हैं, हाँ बल्कि नहीं, डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, हाँ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, आ जाएगा। अब 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 पुट हो गया, और डबल डेरिवेटिव हुआ है, तो माइनस 1 प्लस 0 माइनस 2, एक्स की जगह पुट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा आई थिंक ये थोड़ा धुंधला तो नहीं हो रहा है, धुंधला हो रहा है तो मेरा ध्यान बोर्ड पर है, मोबाइल में नहीं है। अच्छा अब इसको ज़रा मज़ीद सॉल्व करूँगा तो मैं क्या आएगा, अगर देखो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है ना, तो माइनस 1 आंसर आएगा। ये तो बेसिक मैथ है, आपको पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो 1 ही रहना है। अच्छा देखो दो टर्म्स आ गई, तीसरी टर्म्स की तरफ चलना है। अच्छा ये मैंने बता दिया था, इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, डेरिवेटिव ये है, आप समझ के, ये इसका डेरिवेटिव नहीं ले लेना, इसका डेरिवेटिव लोगे अगेन यही चीज़ आ जाएगी, तो ये डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव ये है, तो इसका डेरिवेटिव लेना। तो देखो पावर आगे आ जाएगी, पावर क्या है, माइनस 2, ठीक है, 1 प्लस एक्स और माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है अगला स्टेप, तो 3 टाइम डेरिवेटिव है, तो ये हो गया आपके पास एक्स, और ये हो गया 2, और 1 प्लस एक्स हो गया और माइनस 3। अब देखो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं। बहुत जगह पे ना बुक्स में तो डायरेक्ट कराया हुआ, अब देखो मैं आपको डायरेक्ट नहीं करा रहा, स्टेप्स बता रहा हूँ, तो 1 प्लस एक्स माइनस 3। अब देखो डायरेक्ट भी आपको ये बात समझ में आती है, और इनडायरेक्ट भी, कि x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 1 की पावर माइनस 3 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, मेरी बात पे भरोसा कर लोगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अच्छा अब मैकलॉरेंस में पुट करते हैं अपनी चीज़ों को,
अच्छा, अब मैकलॉरेंस में पुट कर दिया जाएगा सबको, तो एफ एक्स इसके बराबर था एल एन, वर्डिंग तो नहीं लिखते इसमें इसलिए मैं नहीं लिख रहा, या आप चाहो तो लिख भी सकते हो पुट इन सीरीज। अब सीरीज पता है ना कौन सी है भाई, ये सीरीज हमारी, ठीक है। अब एफ एक्स क्या आया था, मतलब एफ की पावर ज़ीरो क्या आई थी, ज़ीरो आ गया था, और प्लस एक्स। अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया और ज़ीरो पुट किया तो क्या आया था, वन आ गया था, ठीक है, एक्स स्क्वायर। जब आपने दूसरी टाइम डेरिवेटिव लिया और वन पुट किया, ज़ीरो पुट किया तो माइनस वन आ गया था, टू का फैक्टोरियल। अब समझ में आ गई होगी बात, है ना, कितना प्यारा काम है ये, कितना मतलब ज़बरदस्त चीज़ है ना, इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है पढ़ने में, थ्री का फैक्टोरियल। अब देखो ये ज़रूर लगाना भाई, इसका मतलब है आगे सीरीज़ कंटिन्यू में है, रुक नहीं रही है। फाइनल लिख लो जब आपको, वन प्लस एक्स, देखो ज़ीरो तो हटा देते हैं, ये एक्स हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, टू का फैक्टोरियल हो गया, प्लस टू को आगे लिख लो, थ्री का स्क्वायर हो गया और थ्री का फैक्टोरियल हो गया। चलो ये फाइनल आंसर है, ज़रा मैच कर लेते हैं, उसके बाद आप सब्सक्राइब भी कर देना जल्दी से हिम्मत करके। चलो कहाँ है आंसर, अरे ये तो गलत हो गया, नहीं नहीं गलत नहीं हुआ, सही हुआ है भाई, बिल्कुल सही हुआ है, एक्स बिल्कुल ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर टू, टू का फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा उन्होंने आंसर में फैक्टोरियल नहीं लिखा है उसे, आई थिंक शायद एक्सपेंड, हाँ अब समझ में आया हुआ क्या है। देखो तो सबसे पहले तो इसको ना, ये सही है गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है, तो हम भी बुक वालों की बात मानते हैं और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक छोड़ना भी गलत नहीं है लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। टू का फैक्टोरियल टू होता है, इस बात से तो कोई भी टेंशन नहीं लेगा ना। थ्री का फैक्टोरियल क्या होता है, सिक्स, है ना, टू डिवाइडेड बाई सिक्स थ्री, यानी डिनोमिनेटर में जस्ट थ्री बच जाएगा, ये लो। अगर परेशान हो रहे थे कि आंसर बुक जैसा नहीं आ रहा, तो ये लो आ गया, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री विदाउट फैक्टोरियल। तो अगर इस तरह भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, टीचर खुश होकर नंबर पूरे देगा। भाई देखो टीचर जो भी चेक करने वाला हो, अगर आंसर गलत भी आ रहा है, वो देखेगा यार बच्चे ने इतना ज़्यादा सोल्यूशन लिखा है, सही फार्मूला लगाया, सही कॉन्सेप्ट लगाया, बस बेचारा बच्चा यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख गया, अब क्या करूँ मैं। तो वो ना दिल पे पत्थर रख कर आपको पाँच में से साढ़े तीन नंबर तो या चार नंबर तो दे ही देगा। मैं भी चेक करता हूँ ना, यही करता हूँ। देखो जो अच्छा टीचर होगा ना मैथ का, वैसे तो सभी अच्छे होते हैं लेकिन जो बेहतरीन होगा, बेस्ट, तो वो ये करेगा कि वो आपका सोल्यूशन देखेगा, आपने किस तरह सॉल्व किया ये देखेगा, और फिर आंसर चेक करेगा, फिर आपको नंबर देगा। इस तरह भी पेपर चेक होते हैं, डायरेक्ट आंसर देखा, अगर ठीक है तो 5 out of 5, अगर ठीक नहीं है तो फिर 2 out of 5, तो फिर वहाँ पर ना मुश्किल हो जाती है। कभी कभार पता क्या होता है, बच्चे इस तरह भी कर जाते हैं कि उन्हें आंसर पता होता है। अब कैसे पता होता है, उन्होंने कभी ना कभी प्रैक्टिस की होती है, कभी ना कभी उस क्वेश्चन को देखा होता है, तो उन्हें आंसर पता होता है, तो वो क्या करते हैं आंसर सही लिख देते हैं, सोल्यूशन में उन्होंने बहुत मिस्टेक्स की हुई होती हैं। तो अब ये तो ठीक नहीं है ना तरीका असिस्ट करने का। तो इसीलिए आप ये टेंशन लिया नहीं करा करो कि अगर मेरा आंसर ठीक नहीं आया तो क्या होगा, आप सोल्यूशन पे जाओ, सोल्यूशन बिल्कुल ठीक रखोगे इन द एंड आंसर खुद ही ठीक आ जाना है। अब आप लोग ये नहीं कहना कमेंट सेक्शन में सर आप बोर कर रहे हैं, ठीक है, अक्सर मुझे सुनने के लिए मिल जाता है इसलिए कह रहा हूँ। चलो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफ़ी जो है वो अच्छी तरह समझ रहे हैं चीज़ों को, इंशाल्लाह इसी तरह पढ़ेंगे ना तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। अच्छा चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। अच्छा कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, समझ तो गए हो ना, समझ तो गए हो गए भाई, करना क्या है बस। जो मैंने स्टेप, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि हर सवाल एक ही तरीके से कराऊँ, ताकि एक करा दूँ ना पाँच बच्चे खुद कर लें, और इसमें फ़ायदा हो भी जाता है कभी कभार। अच्छा क्या करना है पता है ना, हाँ, लेकिन पहले ये करने से पहले ज़रा मेरी बात सुनो, मैकलॉरेन सीरीज लिख लो, मैकलॉरेन सीरीज। तो अब ये हो गया मैकलॉरेन सीरीज क्या है, बार बार लिखना, ठीक है, आप भी बार बार लिखना है तो आपका ना याद होता रहेगा, अक्सर बच्चे पेपर में ना यही भूल जाते हैं सीरीज क्या थी, फिर वो आंसर ही ठीक नहीं आता। नहीं ये गलत है, इसके नीचे तो नहीं आना, जब एक टाइम फैक्टोरियल होगा तो नीचे बनाएगा। देखा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था थोड़ा बहुत, तो मुझे पता चल गया ना क्या है, बोर नहीं हो पढ़ते वक्त, ठीक है, खुशी से पढ़ो और पढ़ाते वक्त भी खुशी से पढ़ाओ,
ताकि बच्चों को भी सीखने के लिए मिले और हमारे को भी मज़ा आए बढ़ाने में। अच्छा अब देखो ये मैंने सीरीज लिख दी, अब आपको क्या चाहिए एफ ज़ीरो बगैर डेरिवेटिव के, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख लो। अच्छा तो बगैर ज़ीरो आ गया, देखो साइन स्क्वायर हो या कुछ भी हो अगर ज़ीरो रख रहे हो ना तो इन द एंड उसने ज़ीरो ही देना है आपको, साइन ज़ीरो पर हमेशा ज़ीरो ही देगा आपको, उसको पसंद नहीं है कि आप उसमें ज़ीरो रखो। अच्छा अब आ जाओ डेरिवेटिव की तरफ, डेरिवेटिव कर लेना ठीक है। तो ये आ गया आपका, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ ठीक। अच्छा साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब पावर है ना, तो टू हो गया साइन, इसमें से माइनस वन हो जाएगा तो ये एक्स आ गया। अच्छा अब आपको विदाउट पावर भी डेरिवेटिव लेना होगा, आपको पता है ना विदाउट पावर डेरिवेटिव, एंगल का अलग से डेरिवेटिव, हम पढ़ चुके हैं सब चीज़। तो अब अगर मैं साइन का विदाउट पावर डेरिवेटिव लूँगा तो क्या होगा, कॉस कॉस एक्स, और ये किस चीज़ के बराबर होता है ज़रा मुझे बताओ, ये किस चीज़ के बराबर होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स। वाह माशाल्लाह आप लोगों के तो कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। चलो अब एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, ज़ीरो, तो ज़ीरो रख लेते हैं। याद रखना इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप। अच्छा अब मैं डायरेक्ट यहाँ ज़ीरो रख रहा हूँ, साइन ज़ीरो ज़ीरो देता है। चलो अभी तो बड़ा मसला हो गया भाई, तो ज़ीरो ज़ीरो ही दिया जा रहा है, लेकिन अभी आगे ज़ीरो देना ख़त्म होगा। अब देखो ये है हमारे पास, इसका हमने डेरिवेटिव लेना, इसका नहीं लेना, ये तो हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो जहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की है ना उससे पहले वाली चीज़ आपका डेरिवेटिव है, ये याद रखना, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, क्योंकि पीछे मैंने ऐसा किया था कि इधर डायरेक्ट डेरिवेटिव उठाया था, तो वो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव था तो इसलिए उठा लिया था ना, मगर यहाँ ऐसे उठाना सही है, ये हमारा डेरिवेटिव का आंसर है। समझ गए ना बात क्या कहना चाह रहा था। अच्छा इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या होगा, कॉस टू एक्स, एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो कि आ जाएगा आपके पास टू ऐसे। तो अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना कि टू कॉस टू एक्स, अब मेरी एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट हो जाएगी ठीक है। अब देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टू ज़ीरो, कॉस ज़ीरो इक्वल टू वन, यानी सिर्फ टू बच जाएगा। कैसे आया समझ में आ गई ना बात, अगर नहीं समझ में आ रही तो ये देख लो भाई, तो ये क्या हो गया आपका सही है। अब देखो हम बड़े लेवल पे आ गए ना, हम छोटी छोटी बातें नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें सिर्फ मैं बताऊँगा आपको, फिर आपने समझना होगा अच्छा सर ये कहना चाह रहे थे। अच्छा देखो यहाँ पे ज़ीरो पुट किया ना, इससे पहले वाली जो चीज़ है वो डेरिवेटिव होगी, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, टू साइन का कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टू एक्स। अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव लो तो क्या आ जाएगा आपके पास, टू एक्स तो वन हो जाएगा ना, तो फाइनल आंसर क्या निकला, माइनस फोर साइन टू एक्स। अब आपको पता है साइन में ज़ीरो पुट करोगे तो उसने ज़ीरो ही देना है, लेकिन मैं बता भी देता हूँ, देखो यहाँ ज़ीरो पुट किया मैंने तो साइन ज़ीरो हो गया, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो इसलिए माइनस फोर भी ज़ीरो हो गया। अच्छा अब फोर लिखते हैं ना बच्चों, इसका डेरिवेटिव उठाओ ज़रा, माइनस फोर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो ये हो गया कॉस टू एक्स ठीक है। एंगल का अलग से डेरिवेटिव लिया तो टू आ गया, फाइनल आंसर लिख लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया एट कॉस टू एक्स। तो अब अगर मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा तो आपको पता है उसने आंसर देना है मुझे माइनस एट, कैसे पता है ना, अभी पीछे करके दिखाया था थोड़ी देर पहले कि ज़ीरो आ गया, कॉस ज़ीरो वन होता है तो माइनस एट एड्रेस आ गया। अब देखो तीन टर्म आ गई हैं, नहीं बल्कि तीन टर्म नहीं आई हैं, अभी हमारे पास दो ही टर्म्स आई हैं ठीक है, दो टर्म्स नॉन ज़ीरो से टर्म बनेगी ना, तो नॉन ज़ीरो तो सिर्फ हमारे पास दो ही नंबर आ रहे हैं, मज़े की बात ये इधर छः टाइम डेरिवेटिव आएगा क्योंकि अगली टर्म फिर ज़ीरो बनाएगी क्योंकि उसमें फिर साइन आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, बात समझ आ गई है ना, क्लैरिटी आ गई है। अच्छा माइनस फोर सॉरी माइनस एट एज इट इज़ आ गया। अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है याद रखना, और टू एक्स एज इट इज़ आ गया, टू एक्स का डेरिवेटिव टू हो जाएगा, तो फाइनल आंसर अगर मैं लिखूँगा तो बच्चों आएगा माइनस माइनस प्लस 16 साइन 2x। अब आपको पता है मैं अगर उसमें ज़ीरो डालूँगा तो उसने ज़ीरो ही देना है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो नॉन ज़ीरो टर्म्स आई हैं तो इनसे दो टर्म्स ही बन पाएंगी, तीसरी टर्म के लिए आगे डेरिवेटिव लिए जा रहा हूँ मैं, जब तक तीन टर्म्स नहीं आ जाएंगी मैं चलता रहूँगा आगे, इससे एक टर्म बनेगी इससे दूसरी, तीसरी टर्म अब बन जाएगी आपकी। अच्छा देखो इसका डेरिवेटिव होगा ये प्लस है,
16। साइन का डेरिवेटिव बिल्कुल सही पहुँचे आप लोग, कॉस एक्स, 2x है तो 2x, और 2 एज इट इज आ गया। और अब आ गया 32, आई थिंक 32 होगा ना, गलत तो नहीं ना मैं, तो 32 सॉरी कॉस आएगा, कॉस 2x। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आप बच्चों को अच्छी तरीके से पता है कि 32 ही मुझे अकेले मिलेगा। तो मुझे दो, मुझे तीन टर्म मिल गए, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। ठीक है, अब बस मैं मैकलॉरेंस में पुट करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ उम्मीद है कि आओगे इस आंसर का आंसर निकालने में। चलो अच्छा, इसमें ना एक स्टेप हमें ज़्यादा निकालना पड़ेगा, आई थिंक मुझे ऊपर से मिटा देना चाहिए, मिटा दूँ, चलो इधर ही लिख लेते हैं, अगर नहीं है सही आया तो फिर दोबारा लिख लेंगे। देखो साइन 2x, देखो मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि ना आपको बात समझा सकूं, मुझे लग रहा है आपको इस तरह से बात समझ नहीं आएगी। अच्छा याद रखना, f0 जो है आपको 0 मिला था, ये याद रख लेना, सही है। अब मैकलॉरिन सीरीज लगा लेते हैं, यहाँ करा देता हूँ, यहाँ आपको समझ में आ जाएगी बात। चलो इधर आ जाओ आप आगे से ही काम करना। अच्छा अब मैकलॉरिन सीरीज पुट करने जा रहा हूँ, fx क्या दिया बता, अभी मैंने मिटा दिया, वो आपको याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स याद आ गया। ठीक है, अच्छा अब जब मैंने fx सॉल्व किया था तो क्या आया था, देखो ये रहा, fx सॉल्व किया तो क्या आया था, पीछे देख भी सकते हो 0 आ गया था, तो यहाँ डायरेक्ट 0 लिख लूँगा। प्लस जब मैंने एक्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेके 0 पुट किया था तो 0 आ गया था, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अच्छा सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया था तो मैंने, एक गलती हो रही है, मैंने ना सही करा, सही है, कोई गलती नहीं है, बस हमने ना वो शो नहीं करा डेरिवेटिव, हमने दो तीन टाइम लिए हुए ना, एक एक टाइम लगाया हुआ 12 को। ठीक है तो 3 टाइम हो गया, सही है, तो ये 4 टाइम हो गया। बस देख लो लिखना, अगर गलत हो जाएगा तो कितना मसला बनेगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, गलत नहीं किया हमने, सही किया, बस वो थोड़ा सा ना हमने लिखा नहीं है, तो ये लिख लेना 4, 5, 6, सही है, यहाँ लिख भी दिया, बल्कि मैंने यहाँ तो लिखा हुआ है ताकि आपकी ना क्लैरिटी रहे, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा जब मैंने सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया था, जब से मैंने सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया था और एक्स की वैल्यू पुट करी थी तो 0, तो मेरे को 2 मिल गया था, तो ये दूसरी टर्म आ गई मेरे पास। अच्छा फिर जब मैंने एक्स क्यूब रखा, तीसरी टाइम डेरिवेटिव लिया और फिर मैंने उसे सॉल्व किया था तो मेरे पास 0 आ गया था। देखो ये नहीं ना, देखो यही हो ना, तीन टाइम डेरिवेटिव लिया था तो फिर जब एक्स पुट किया था तो 0 आ गया था। अच्छा फिर मैंने चौथी टाइम डेरिवेटिव लिया था और एक्स की वैल्यू 0 पुट करी थी तो मेरे पास -8 आ गया था, और अब यहाँ 4 का फैक्टोरियल, देखो ये एक एक करके बढ़ता जा रहा है आगे। फिर जब मैंने पांचवी टाइम डेरिवेटिव लिया था, एक्स की वैल्यू पुट करी थी तो मुझे 0 मिल गया था, देखो पांचवी टाइम डेरिवेटिव लिया था और एक्स की वैल्यू पुट करी थी तो 0 मिल गया था। अच्छा जब मैंने छठी टाइम डेरिवेटिव लिया था, एक्स की वैल्यू 0 पुट करी थी तो मुझे मिल गया था 32, देखो छठी टाइम डेरिवेटिव लिया था, नीचे देखो छठी टाइम डेरिवेटिव लिया और तो ये आ गया। अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है यार, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो चुका है बस। अब फाइनल ऊपर आ गया आपके पास, फाइनल जो प्रोडक्ट है ना ऊपर आ गया, थोड़ा सा गैप दे के लिख लेते हैं नीचे, 0 0 ख़त्म, ये क्या हो गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर लो एक्स की पावर 4, -8 को डिवाइड करा दो 3 के फैक्टोरियल से। अच्छा फैक्टोरियल कैसे लेना है ये आपको नहीं आ रहा होगा समझ, तो मैं बता देता हूँ कैसे लेना है। अरे ये क्या मसला है, हाँ सही है, देखो -8 नज़र आ रहा है और 3 का फैक्टोरियल है ना, नहीं 4 का फैक्टोरियल है, 4 का ये रहा फैक्टोरियल, सही है ये आ गया। अच्छा अब ये थोड़ा ना ऐसे आएगा -1/3, कैलकुलेटर से ले लेना फैक्टोरियल, ठीक है वो थोड़ा ऐड आ रहा है ना उसके ऊपर, इसलिए मैं ऊपर करके दिखा नहीं रहा हूँ, तो -x^4 और 3, ये 0 हो गया, अब इस पर आ जाता है x^6 और 32/6 का फैक्टोरियल, 32/6 का फैक्टोरियल, द आंसर इज 2/, ये 2 आ गया और 45, दिस इज़ फाइनल आंसर। ये चार टर्म कैसे आ गई, 3 आनी चाहिए थी। अच्छा आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने ना एक टर्म को 2 बार करके लिख दिया, मैं भी इसको ठीक कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, गलत नहीं किया, ठीक किया हमने काम, बस एक टर्म हमने ना
लिखने में जल्दी में गड़बड़ कर दी है। ये लो एक्स का स्क्वायर, ये ठीक है, अब ठीक है, इसको मैंने ना दो बार लिख दिया था गलती से। चलो अब इसका आंसर मैच करते हैं, ठीक है या गलत है। एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, माइनस एक्स की पावर 4/3 बिल्कुल ठीक है, प्लस 2x/6/45 बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ में गलती है, इसे कंटिन्यू रखो, मैंने बताया था ना ये आगे भी आएंगी और टर्म्स भी। समझ में आ गई बात, बस यही समझाना था आप लोगों को और कुछ नहीं था। चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास है हमारा एक सवाल। अच्छा इस सवाल में ना एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना चौथी टाइम, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा डेरिवेटिव, तो मैं उस डेरिवेटिव को आपको समझा दूंगा तो आपके लिए ना मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा सबसे पहले साइन की पावर ई की पावर साइन एक्स है, सबसे पहले तो हम इसे फंक्शन कह लेते हैं अपना, तो जो कि है ई की पावर साइन एक्स करके। मैकलॉरिन सीरीज ले आते हैं, मैकलॉरिन या मैकलॉरिन सीरीज, इसके बाद टेलर भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी इसी तरह की है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा तो अब देखो आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास आएगा सीरीज लिखी जाएगी। इस सीरीज़ को ना मैं खोल दूंगा 4 तक, ठीक है, क्योंकि चौथी में ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, पता नहीं रहा लेकिन आपको पता है करके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 4 टर्म्स खोल दी मैंने, चौथी टर्म हो गई लेकिन मुझे 5वीं तक भी जाना पड़ेगा क्योंकि 1-0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये लो 5 टर्म्स लिख दी मैंने अपनी सीरीज़ की, ये एफ है, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। और अभी ये यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, आगे भी जा रही है, लेकिन हमारा इतने में काम हो जाएगा, 3 टर्म्स आ जाएंगी। अच्छा सबसे पहले तो आपको पता है एक्स की वैल्यू हम 0 रख के सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 0 है ना, तो 0 जब मैंने रखा तो ई की पावर साइन एक्स हो गया। देखो एक्स की जगह क्या चले गया 0, तो साइन एक्स 0, तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 मैंने बताया था ना 1 के बराबर आती है, ठीक है। तो ये लो वन आ गया हमारा पहला। अच्छा अब हमने डेरिवेटिव इसका उठाना है, इसका डेरिवेटिव उठाना है। अच्छा अब अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो आप मुझे कुछ बता सकते हो, गाइड कर सकते हो कि क्या आएगा डेरिवेटिव? देखो वर्डिंग आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर रहे तो मसला नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए कभी ऐड कर रहा हूँ कभी नहीं कर रहा। अमूमन जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो वर्डिंग ऐड नहीं करूंगा, मतलब पेपर में। अच्छा तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर साइन एक्स, देखो ई की पावर साइन एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, है ना, जो भी ई की पावर होती है वो नीचे उतर जाती है और उसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो यानी कॉस एक्स आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब हम हाई लेवल पे आ गए ना। अब देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता, एक समझा देता हूँ ताकि आगे भी बात समझ आती रहे, तो क्या करता मैं, ई की पावर साइन एक्स को एज इट इज लिख रहे देता और डेरिवेटिव जस्ट उसके पावर पर आता है, ठीक है। तो फिर क्या आता है, ई की पावर साइन एक्स और कॉस एक्स। अब देखो मैंने डायरेक्ट इससे ये कर दिया, ये नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें पता है क्या काम हो रहा है, मैं ये पीछे सारी चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं, तो हमने थोड़ा डायरेक्ट काम करना होगा। अगर हम ऐसे एक एक लफ्ज़ को शो करेंगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल और मुश्किल भी हो जाएगा समझने में, तो शॉर्ट करके लिखना भी हमारी ज़रूरत में से एक ज़रूरत है, यानी हमें ज़रूरी है। इस पर पुट कर लेते हैं ई की पावर 0, तो देखो अब भी देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा लेकिन समझा दूँगा, सही है, मसला नहीं होगा। तो ये आंसर आएगा 1। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, 1 कैसे आएगा, तो मैं बोलूँगा ज़रा रुके मैं बताता हूँ कैसे आएगा 1 आप लोगों को। कॉस की पावर 0 1, ई की पावर एक्स साइन की पावर 0 0, ये तो 1 आ चुका है, ये तो बात ख़त्म हो गई। साइन की पावर 0 0, ई की पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ख़त्म बात। चलो अब दूसरा कराता हूँ। देखो अब मज़े की बात ये, पता है इधर क्या हो रहा है, इधर इस पर फार्मूला लग रहा है। क्यों इस पर फार्मूला लग रहा है? इस पर फार्मूला इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि देखो ये e की पावर साइन एक्स और कॉस एक्स, जब आप इसका 2 टाइम डेरिवेटिव लोगे तो इस पर लग जाएगा फार्मूला। अब मैं यहाँ पर फार्मूला लिख के शो करा देता हूँ एक स्टेप में, मगर आपको पता है फार्मूला कौन सा लग रहा है इस पर। जब आपके पास डेरिवेटिव हो रहा हो साइन एक्स यू और वी का, तो वो क्या आ जाता है, यू का डेरिवेटिव सॉरी वी का डेरिवेटिव, वी और यू का डेरिवेटिव प्लस यू और वी का डेरिवेटिव, ये याद है ना। अब ये स्टेप्स हम नहीं शो कर सकते इसमें, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें डायरेक्ट डायरेक्ट शो करना होता है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, ज़रा लिख लो, चलो इसे लिख लो एक स्टेप्स, अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसको यू कह लेते हैं, यू वी, इसको यू कह लेते हैं,
इसको वी कर लेते हैं। तो देखो कॉस एक्स एजेटिस आ गया, वी का डेरिवेटिव होगा, इसको डेरिवेटिव में लिखना पड़ेगा मुझे, लिख लेना है सबने पास, ठीक है, ये रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क ही कर रहा हूँ। एक्स सही, तो अब आ गया हमारे पास ई की पावर साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स सही। चलो यू और वी है और एक्स के रिस्पेक्ट से चल रहा है काम। अच्छा देखो कॉस एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव अभी हमने ऊपर लिया, देखो ये इसका डेरिवेटिव लिया था ना, तो ये आया था ना, तो इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या है, सही है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव देखो, इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया था तो ये आया था ना, तो यहाँ भी तो वही चीज़ है, यानी इसका डेरिवेटिव आएगा ई की पावर साइन एक्स और कॉस एक्स, सही, प्लस ई की पावर साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, आपको पता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलो फाइनल कर लो आंसर को, देखो ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स कॉमन निकाल लो, ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर कॉस एक्स ये स्क्वायर हो गया और माइनस वन माइनस, अब देखो ये डायरेक्ट बताता तो शायद समझ ना आता है ना, ये चीज़ समझ ना आती, लेकिन अब समझ में आ गया ना मैंने कैसे ये आंसर निकाला, लेकिन मैं अगले स्टेप्स में इतना ज़्यादा खोल के नहीं लिख पाऊँगा, वहाँ मैं डायरेक्ट लिख लूँगा, लेकिन आप रफ वर्क कर कर उसको प्रूफ कर सकते हो कि हाँ ये इस तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा, सही है, समझ में आ गया ना कैसे आया इस चीज़ का डेरिवेटिव, ये कैसे बनेगा डबल। चलो देख लेना इसको, बड़े लेवल पे आने का मकसद ही ये होता है कि अब हमें काम थोड़ा और प्रिसाइज होकर थोड़ा और जो है ना अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि आपको पता है लेवल सबके बढ़ेंगे, बढ़ेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। अच्छा चलो डायरेक्ट ज़ीरो रख लेते हैं, तो हमने ज़ीरो रख लिया, अब जब मैं देखो ज़ीरो रख रहा हूँ ना, ई की पावर ज़ीरो ये तो वन आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है आपके पास, ये भी आपके पास जो है वो वन आ रहा है, ये बना गया, ये भी बनाएगा, मज़े की बात है, ये ज़ीरो आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमें पता है फाइनल आंसर वन ही बन रहा है, तो अगला स्टेप ये आ गया डबल होकर वन, कैसे बनाया समझ में आ गई ना बात, देखो हमें इधर वन मिल गया था, इधर वन मिल गया था, इधर वन मिल गया, तो अब हमारी सीरीज तो बन गई ना, अब हमें कोई मसले वाली बात तो है नहीं। चलो इसको लिख लेते हैं, ठीक है इसको लिख लेते हैं, तो बच्चों क्या बनेगा, ये क्या है वन, तो इसको मैंने लिख लिया वन, ये क्या है प्लस एक्स, और ये क्या आया था मेरे पास, ये भी मेरे पास वन आया था, इसको भी मैंने लिख लिया वन, और ये एक्स का स्क्वायर टू का फैक्टोरियल, ये भी मेरे पास वन ही आया, तो जो फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है मेरे बच्चों वो कुछ इस तरह से आ रहा है। चलो इसको मैचिंग कर लो कि ठीक आया या गलत आया है, अगर ठीक आया तो फिर हम यहीं पे से रोकते हैं, कौन सा पार्ट फाइव है ना, पार्ट फाइव, वन प्लस एक्स का स्क्वायर टू का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल लिखो या टू लिख दो, एक ही बात है भाई, टू का फैक्टोरियल टू ही होता है, द टू का फैक्टोरियल इज़ टू। चलो अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी एक आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस जिस तरह से आपने करा है उसी तरह से ये भी हो जाएगा, एफ एक्स सी इक्वल लिख लीजिए एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ये तो बात ही समझ में आ रही है, ज़ीरो आ जाना है इसने। अच्छा मैकलॉरिन सीरीज लिख लेते हैं, मैकलॉरिन सीरीज, तो व्हाट इज़ मैकलॉरिन सीरीज, यहाँ पर क्या रहेगी आपके पास, क्या बच्चों बताओ मुझे ज़रा, हाँ एक्स, अच्छा जब फाइनल आंसर लिखना ना तो ये एफ एक्स की जगह ये लिख लेना जैसे हम हर बार लिखते हैं। अच्छा एक्स डेरिवेटिव ज़ीरो, एक्स और डबल ज़ीरो और टू एक्स, ये स्क्वायर होगा ये क्यूब होगा। अच्छा बस ये आखिरी टर्म लिख रहा हूँ मैं इसकी फोर, आई थिंक इतने में हमारा जवाब आ जाना चाहिए, इससे आगे भी चलेगा। अच्छा तो चलें फिर आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा एक मज़े की बात है जो मुझे थोड़ा तंग कर रही है कि नहीं हो जाएगा सही, कोई मसला नहीं होगा, देखो x की वैल्यू सबसे पहले तो ज़ीरो रख लेते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए ना, जब मैंने इसे ज़ीरो रखा तो ये ज़ीरो रखा तो देखो ये ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि x ज़ीरो है, चाहे इवन आ रहा है लेकिन बाकी तो ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो ही आंसर आएगा फाइनल। देखो ये ज़ीरो हो गया, e की पावर माइनस ज़ीरो, तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए,
ज़ीरो, यानी पहले पे तो आपको मिला नहीं आंसर, यानी पहली टर्म तो आपको नहीं मिली ज़ीरो पे। अच्छा अब चलो आगे चलते हैं, अब डेरिवेटिव करके चेक करते हैं। इसका करो डेरिवेटिव, एक्स आ गया ई की पावर माइनस एक्स हो गया। अच्छा अब मज़े की बात पता है क्या, इस पे लगना था प्रोडक्ट रूल। क्या लगना था? प्रोडक्ट रूल। अभी तो मैंने ये लिख दिया लेकिन मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट से करूँगा मैं, यू वी इक्वल टू वी, और यू का डेरिवेटिव यू और वी का डेरिवेटिव। सही है, तो ज़रा करते हैं। देखो वी क्या है हमारे पास, ये यू ये वी। वी क्या है हमारे पास, ई की पावर माइनस एक्स। यू क्या है हमारे पास, एक्स, ठीक है। और प्लस फिर आएगा हमारे पास अगेन एक्स, फिर आएगा हमारे पास अगेन। अब क्यों लग रहा है प्रोडक्ट रूल, ये तो आपको पता है ना, दो वेरिएबल्स हैं, एक ये और एक ये, तो फिर अलग अलग वेरिएबल्स के लिए अगर सॉल्व करना है तो प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा, यू और वी। अच्छा तो इसका तो ये तो एज इट इज आ जाना है, ये एक्स आ जाना है, ये बना जाना है, ठीक है। और ये एक्स हो जाएगा, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो माइनस का आंसर आ जाए, माइनस आ जाएगा, और ई की पावर माइनस एक्स। ये कैसे हुआ समझ में आया ना? देखो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन। आई थिंक ये थोड़ा जूम नहीं हुआ हुआ, एक मिनट में जूम कर दूँ। हाँ आप सही, थोड़ा धुंधला चल रहा था, अब धुंधला नहीं है। ये सोल्यूशन कर रहा हूँ, इसको लिख लेना अपने पास। तो e माइनस एक्स माइनस एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो ये वन दे देगा आपको, ये ज़ीरो दे देगा, इससे कोई मसला नहीं, लेकिन ये वन दे देगा। आप करके चेक कर लो ज़रा, मैं भी देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। e की पावर निकालना सिखा दिया ना, उसी से कर लो, एक मिनट ज़रा चेक कर लेते ना ताकि मैं आगे आसान हो जाए। e की पावर माइनस वन, नहीं e की पावर माइनस वन, वन अपॉन e आ रहा है, वन अपॉन ई, ठीक है ठीक है। तो फिर आगे माइनस वन है, फिर हम इसको ज़ीरो ही पुट करेंगे, तो वो हमारे को जो आना है वो आ जाएगा। तो देखो इसको अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, इसको लिख लेना पूरे को, ठीक है, सॉल्यूशन को। तो ये बराबर आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास बराबर आ रहा है ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा चलो समझ में आ गया ना क्या हुआ है। अब इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको माइनस ज़ीरो पुट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ज़ीरो पुट कर दिया मैंने, ज़ीरो पुट करने से ये तो डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ये बना जाएगा। अब इसी तरह से आगे भी होगा। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपना आगे सवाल को सॉल्व करा लेते हैं। देखो अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, सही है। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये आप पीछे पढ़ चुके हो, मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि देखो माइनस एक्स आगे उतरेगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो माइनस वन, तो माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आप पहले ही ले चुके हो और आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या है, इस चीज़ को आपने सॉल्व किया था तो ये आया था ना, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ये पूरा, तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। मैं थोड़ा बता देता हूँ हो क्या रहा है। देखो आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया जो कि ये आ गया, फिर माइनस आ गया। अब आपको इस चीज़ का डेरिवेटिव चाहिए, आपने इस चीज़ को सॉल्व किया था तो ये आया था ना, यानी इसका डेरिवेटिव यही बनता है। तो अगर इसका डेरिवेटिव चाहिए तो ये पूरा ही लिखना होगा आपने, बस इसको याद रखना मैंने ये किया है। यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट है लेकिन इतना डायरेक्ट नहीं है कि समझना है। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो देखो ये माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स हो गया, और प्लस देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हुआ। अच्छा प्लस और या माइनस आना है, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हुआ ना, तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स। कॉमन निकाल लो ज़रा, और कॉमन क्या निकालो, बल्कि काम करो इसे कॉमन निकाले बगैर ही लिख दो, क्योंकि अगर कॉमन निकालोगे ना तो वैसे तो आसान हो जाएगा लेकिन आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। याद रखना इसकी जगह पे मैंने क्या पुट किया, ये पूरा पुट किया, क्योंकि इस चीज़ का डेरिवेटिव ये है और इसी का डेरिवेटिव चाहिए था ना, तो ये सेम है तो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। अच्छा अब एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दो ज़रा,
चाहो तो कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है। देखो माइनस टू आ जाएगा, ठीक है, ई की पावर ज़ीरो यानी वन, ये एक्स तो खुद ही ज़ीरो हो गया तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, बस जस्ट माइनस टू आपका आंसर है। अब ये टू टाइम डेरिवेटिव था, तीन टाइम डेरिवेटिव होगा। अच्छा अब इधर सॉल्व करते हैं, देखो माइनस टू हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन वही माइनस वन, तो माइनस वन आ गया ई की पावर माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखो, इस चीज़ को ये दोनों सेम है ना, तो यानी इसका डेरिवेटिव ये चीज़ सेम है, तो इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो e की पावर माइनस एक्स, इसीलिए मैंने कहा था कॉमन नहीं निकालना ताकि डेरिवेटिव आप मैच कर पाओ, तो टू e की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया, थ्री e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, तो ये आंसर क्या है, थ्री e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स। समझ गए ना क्या किया और कैसे किया मैंने, बस इसको याद रखना भाइयों और बहनों, आपको फिर मसला नहीं होगा पेपर में, ऐसे ही कर सकते हो पेपर में। अच्छा तो क्या आ रहा है आपके पास, ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू जब जीरो पुट की, ये डबल है तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, ये थ्री बचेगा, जैसे ये आपका आंसर आ गया, मतलब तीसरी टर्म इस तरह आ गई। अब ऊपर पुट करो ज़रा, एफ एक्स किसके बराबर था, एक्स ई की पावर माइनस एक्स के, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, तो उधर तो मैंने डायरेक्ट ज़ीरो रख दिया, ये एक्स आ गया मेरा, और यहाँ क्या आ गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर एक्स ज़ीरो रखने पे ये वन दे रहा था, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर एक्स का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो रखने पर माइनस टू दे रहा था, अच्छा टू का फैक्टोरियल भी आएगा, प्लस एक्स का क्यूब, फिर आपने थ्री रख लिया और सिक्स का फैक्टोरियल, बस अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ गया। एक चीज़ भी मिस्टेक करोगे ना आंसर नहीं बनेगा सही तरह से, ये तो ज़ीरो हो गया, ये एक्स आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा अब आपको पता है ये सॉरी ये सिक्स का फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, थ्री का फैक्टोरियल है, थ्री का फैक्टोरियल सिक्स होता है, तो सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स, तो यानी टू बच रहा है नीचे, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय टू, तो ये फाइनल आंसर है। मैच कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो बाकी सवाल अब मैं कल कराता हूँ, क्योंकि ना ये मोबाइल भी मेरा जो है चार्ज नहीं है, तो बाकी कल करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके सामने मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सेवन। देखिए सबसे पहले वही हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और अपनी मैक्लॉरिन सीरीज़ को लिख देते हैं और फंक्शन बना लेते हैं, तो ये चीज़ हमारा फंक्शन हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स। अच्छा मैक्लॉरिन सीरीज़ देख लीजिए क्या है, मैक्लॉरिन, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या है, मैक्लॉरिन सीरीज़, ठीक है। तो अब मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या है, आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, देखो बार बार फार्मूला लिखवाने का मकसद बस यही है ताकि आपको जो है ना सीरीज़ याद हो जाए। एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ ज़ीरो प्लस एक्स, और ये इंटी डेरिवेटिव ज़ीरो रख कर, और प्लस एक्स का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव और ज़ीरो रख कर टू का फैक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब ज़ीरो और थ्री का क्यूब, और इसी तरह ही आगे फर्दर चलेगी, ठीक है, ये सीरीज़ हो गई आपकी। अच्छा अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा जो है वो अप्लाई हो रहा है, मतलब हमने अब करना क्या है। तो देखो एक्स की वैल्यू हमने रख के ज़ीरो सॉल्व करनी है, तो या हमने ज़ीरो रख दिया एक्स की जगह, तो वन अपॉन वन प्लस ज़ीरो जस्ट इक्वल टू आपको दे रहा है ये वन के बराबर, ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। अब डेरिवेटिव करते हैं। अच्छा अब हम ले लेते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं, वर्डिंग लिख लो थोड़ी सी डेरिवेटिव। अच्छा तो अब हम ले लेते हैं अपना डेरिवेटिव, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। अब देखो इसे ऊपर ले जाओ डायरेक्ट, तो वन प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव में जो अपॉन में होता है उसे आप ऊपर ला के सॉल्व करते हो ना, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव आ गया, तो माइनस वन आ गया आ गया, ठीक है, वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस वन। तो जो आपका डेरिवेटिव का जवाब आ रहा है वो सिंपल आपका बनता है ये हो गया आपका माइनस वन प्लस एक्स और माइनस टू आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या पुट करना है, अब जगह थोड़ी सी कम है लेकिन अब आपने एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है,
तो देखो डायरेक्ट यहीं कर लेते हैं, जब आप एक्स की जगह ज़ीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वन। अगर वन की पावर माइनस टू हो तो भी वन ही रहेगा, तो आंसर आपका आ रहा है माइनस वन। ठीक है, पहला आंसर आपका ये था। अच्छा अब दूसरा आंसर करते हैं, अब इस चीज़ को यूज़ करके हम दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे। तो दूसरा डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपका, दूसरे डेरिवेटिव में क्या होगा आपका, माइनस टू आगे आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, माइनस टू आगे आ गया। ठीक है, तो वन प्लस एक्स हो गया, माइनस टू माइनस वन, तो जो जवाब आ रहा है आपके पास वो सिंपल आ रहा है आपका टू, वन प्लस एक्स और माइनस थ्री। ठीक है, अब वही है, आप f की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे तो टू आ गया। देखो जस्ट टू डायरेक्ट लिख लेते हैं, टू आएगा। अब कैसे टू आएगा समझ लो, x की जगह ज़ीरो आ गया और वन की पावर माइनस थ्री, वन ही रहेगा, तो जस्ट टू आंसर बचेगा आपके पास। ठीक है, अब हम हमारा यहाँ हो गया है, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तो तीन टर्म्स हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो अब हम सीरीज़ में पुट कर देते हैं, पुट इन सीरीज़। अच्छा किसे पुट कर रहे हैं सीरीज़ में हम, अगर ये लिखना चाहो, इससे पहले तो मैंने वर्डिंग्स नहीं लिखवाई, लेकिन लिखना चाहो तो एफ ज़ीरो एफ एक्स एंड एफ डबल ज़ीरो, ये भी ज़ीरो होगा, इन सीरीज़। सीरीज़ आपको पता है कौन सी वाली है। अच्छा तो देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, एफ एक्स इसके बराबर है, एफ एक्स बराबर है आपके पास वन अपॉन एक्स के, वन अपॉन वन प्लस एक्स के। अच्छा उसके बाद इसकी जगह क्या आया था, जस्ट वन आ गया था, फिर एक्स आ गया, इसकी जगह क्या आया था, इसकी जगह माइनस वन आ गया था, और एक्स का स्क्वायर, इसकी जगह क्या आया था, टू आ गया। देखो हमें सीरीज़ सिर्फ जो है ना वो कहाँ तक लेके जानी है, तीसरी टर्म तक। तो तीन टर्म्स हमारे पास यहाँ तक आ रही है एक्स स्क्वायर तक, तो क्यूब को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तीन टर्म्स हो जाएंगी हमारी। तो वन प्लस एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स, टू से टू कैंसिल हो गया, प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। ये छोटा सा सवाल था, ठीक है, चलो मैच करा देता हूँ, सही किया गलत किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही आया है, वन अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो मैकलॉरिन सीरीज़ में थोड़ी सी चेंजेस करोगे ना तो वो टेलर सीरीज़ बन जाएगी, तो वो टेलर सीरीज़ भी लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे करा दूँगा। तो स्टूडेंट अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स, पहले तीन टर्म्स पता कर रहे थे, अब चार टर्म पता करनी है। ठीक है, यानी चार टर्म्स आ रही होंगी, जैसे एक टर्म, फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, मैकलॉरिन में बस तीन टर्म पता कर रहे थे, लेकिन यहाँ चौथी टर्म भी होगी, सही है, तो चार टर्म। अब टेलर सीरीज़ में लिखवा देता हूँ, टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज़, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो बहुत वाजे होगा, मैकलॉरिन सीरीज़ या टेलर सीरीज़ वो कह देंगे, तो फिर टेलर सीरीज़ हो तो टेलर सीरीज़ लगाना, मैकलॉरिन हो तो मैकलॉरिन। सबसे पहले टेलर सीरीज़ लिख लो, टेलर सीरीज़, एक क्रिकेटर थे उनका भी नाम यही था टेलर। अब आप बताना कि टेलर से पहले क्या आता था। ठीक है, आई होप, काफ़ी मशहूर क्रिकेटर थे, जब हम क्रिकेट देखा करते थे तो वो खेलते थे, कुछ टाइम पहले रिटायर हुआ है। तो ये है टेलर सीरीज़। देखो मैकलॉरिन में क्या आ रहा था, ज़ीरो, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, ए, सही है, ज़रा सी चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और फिर एक्स एक्स आ रहा था मैकलॉरिन में, लेकिन यहाँ पर साथ साथ ए माइनस भी होगा, सही है। और उसके बाद फिर ज़ीरो आ रहा था ना, लेकिन यहाँ ए आएगा, सही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैकलॉरिन में क्या हो रहा था, ज़ीरो आ रहा था, ए ज़ीरो आ रहा था, ए ज़ीरो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ पर ए होगा, और ए जो होगा वो आपको बता देंगे। अभी ए वन है, आगे के लिए क्या होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब एक्स माइनस ए, फिर स्क्वायर, और एफ डबल ए, और टू का क्यूब। अच्छा अब देखो थर्ड टर्म कैसे लिखोगे, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, अब थर्ड टर्म लिखनी है मुझे, तो एक्स माइनस ए क्यूब ट्रिपल डेरिवेटिव ए और ए। अब मुझे बताओ एन टर्म कैसे लिखोगे, एन टर्म बहुत आसान है, देखो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, हो क्या रहा है, सिर्फ पावर बढ़ रही है, वन थी टू हो गई थ्री, तो एन टर्म लिखने के लिए क्या हो जाएगी, पावर एन हो जाएगी। अब देखो डिनोमिनेटर वन टू थ्री, यानी एन का फैक्टोरियल, सही है। उसके बाद देखो डेरिवेटिव वन टू थ्री, यानी एन टाइम डेरिवेटिव, और ए ही आएगा। ये हो गया आपके पास एन टर्म का फॉर्मूला, जस्ट एन की वैल्यू पुट करो
आपके पास अगर चौथी टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा, एन फोर हो जाएगा। मतलब चौथी टर्म चाहिए ना, तो एन फोर हो गया, यहाँ भी फोर आ, यहाँ भी फोर आ जाएगा और नीचे भी फोर आ जाएगा, सही है। अच्छा अब आप ये सोच रहे होगे कि इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, जैसे ये एल एन नज़र आ रहा है तो एल एन आपका फंक्शन है। एल एन क्या है, एल एन जो है आपका यहाँ पर फंक्शन है, इसी की मदद से आपने जो है वो आगे काम करना है। अच्छा अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लिख लो कि आपका फंक्शन क्या है। तो ये एल एन है, याद रखना, ये शायद आपको कुछ और लग रहा हो तो यहीं लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है आपका, एक्स, ठीक है, देखो ये एक्स के बराबर लिखा है, कहलाएगा, और एल एन एक्स हो गया। अब ए की वैल्यू क्या रखनी है, देखो याद रखना, ए की वैल्यू जहाँ भी होगी वहाँ टू हम ए रखेंगे, वन रखेंगे, सही है। ए की वैल्यू क्या रखनी है आपने, वन रखनी है, और एक्स की वैल्यू भी वनी होगी, सही है, याद रहेगी ये बात, एक्स की वैल्यू भी आपके पास वन ही आएगी। तो यहाँ पर ये ए आ रहा है तो हम यहाँ वन ही रखेंगे, एफ और वन रख के सॉल्व किया तो एल एन वन, तो एल एन वन हमने पढ़ा था आई थिंक ज़ीरो के बराबर था, तो एल एन वन हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, समझ में आ गया। बस इस चीज़ को याद रखना, बाकी ये मुश्किल नहीं है, बाकी ये आसान है। और एक बात मैं और ऐड कर दूं कि अगर आपको लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो ए की वैल्यू है ना वही एक्स की वैल्यू है, मगर यहाँ पर एक्स पुट नहीं करना, जस्ट ए पुट करना। एक्स कहाँ पे पुट करोगे, जहाँ पे डेरिवेटिव लोगे, सर मैं करके दिखाता हूँ, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर एक्स पुट करना था तो जो ए था वही एक्स था, मैंने पुट कर दिया, बस सीरीज़ में नहीं पुट करना एक्स, उसकी जगह जहाँ भी कहीं एक्स आए पुट कर लेना, बस सीरीज़ में एक्स को पुट नहीं करना, वरना अगर पुट करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो होगा तो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी ना, तो ये तो नहीं करना ना हमने। अच्छा देखो इसमें भी आपने क्या करना है, ये चीज़ तो निकल गई आपकी, यानी ए की वैल्यू आपने वन रखी और आपका आंसर आ गया। अब आपने जो है वो डबल डेरिवेटिव भी लेना, देखो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव भी आएगा। अच्छा तो अब मैं डबल डेरिवेटिव ले, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ पहले। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में मेरे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव में है, इसमें इसे एक्स बोलूँगा, ठीक है, ए नहीं बोला मैं, इसे एक्स बोलूँगा, सिर्फ यहाँ पे इसे एक्स बोला जाएगा। अच्छा तो ये है क्या हमारे पास, एक्स क्या है, एल एन एक्स, एल एन एक्स, क्योंकि देखो मैंने यहाँ भी इसे एक्स ही लिखा था, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स नीचे आ जाना, और डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स का, ठीक है। एल एन ये करता है ना कि डेरिवेटिव जो है वो मतलब जो भी होता है उसे अपॉन में लिखवा देता है, वन अपॉन एक्स हो गया, और एक्स का अलग से डेरिवेटिव। तो अब अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो जस्ट मेरे पास क्या निकल कर आया, ये तो वन हो गया, ये हो गया एक्स। अब मैं ज़रा क्या पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, वन, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया वन अपॉन वन, यानी आंसर मेरे पास वन आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं डबल डेरिवेटिव ले लेता हूँ, अब डबल डेरिवेटिव इसका लिया जाएगा, ठीक है, याद रखना जब आपने वन पुट किया ना उससे पहले वाली चीज़ का डबल डेरिवेटिव होगा इसका। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एक्स और माइनस टू, समझ में आया, माइनस आगे आ गया, माइनस वन आगे आ गया, तो माइनस एक्स हो गया और माइनस वन टू हो गया, सही है। तो अब मैं पुट कर देता हूँ अपना एक्स क्या है, वन है, तो माइनस वन, ठीक है, माइनस बाहर है तो वन पे कुछ भी पावर हो वो वन ही रहना है उसने, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है माइनस वन, ठीक है। अब दूसरा सवाल करते हैं, मतलब तीसरी टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। तो वन पुट किया है, वन से पहले वाली चीज़ का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि हमने यहाँ तो पुट कर दिया ना, पुट करने से पहले जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस, ठीक है, मैंने लिख दिया डायरेक्ट तीन टाइम डेरिवेटिव। तो यहाँ क्या होना है, माइनस और माइनस टू आगे आ जाना है एक्स, और माइनस टू के साथ एक ऐड हो जाना है, वन ऐड हो जाना है, तो माइनस थ्री हो जाएगा। तो फाइनल निकल के क्या आ रहा है आपके पास, टू एक्स की पावर माइनस थ्री, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जब एक्स पुट किया, वन पुट किया, तो ये ज़रूर लगा लेना भाई, तो ये हो गया टू, और टू आएगा जस्ट वन पुट करोगे, वन की पावर माइनस थ्री वन ही रहेगा, तो टू आपका आ गया। तो अब हमें चार टर्म चाहिए, ये तो ज़ीरो हो गया था, एक दो तीन टर्म तो आ गई,
अब चौथी टाइम भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, चाहे चार टर्म्स आ जाएं। फोर लिख दो, डेरिवेटिव किसका होगा, इसका होगा। तो देखो टू आ गया, एक्स की पावर माइनस थ्री आ गया, तो ये फोर हो गया, एक्स हो गया। अच्छा देखो टू आ गया, माइनस थ्री आ गया, एक्स हो गया, माइनस फोर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस सिक्स और एक्स की पावर माइनस फोर। अच्छा अब आप पुट कर दो अगेन वन, ठीक है वन पुट हो गया, तो क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स ही आ जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हो। तो ये चार टर्म्स हो गई आपकी। अब इसको सीरीज़ के अंदर पुट कर दो, तो एफ एक्स, एफ एक्स की जगह क्या लिया था मैंने, देखो एल एन एक्स, तो एल एन एक्स इक्वल टू, अच्छा एफ ए, एफ ए क्या आया था, यानी एक्स ही है बेसिकली। तो जब मैंने एक्स रखा या ए रखा, मेरे पास जीरो आया, तो इतने ज़ीरो हो गया इसीलिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ भी ए पुट कर दो, ए आपका क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है इस तरह लिख देना। अच्छा एफ ए क्या आया, एफ ए यानी मैंने कह दिया है ना एक्स और ए बराबर है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, सर यहाँ तो ए लिखा है यहाँ एक्स लिखा है, ये बराबर है, ठीक है बराबर है, याद रखना इस बात को। तो एक्स की जगह मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास बना रहा था, बना गया, ठीक है प्लस एक्स माइनस वन और इसके स्क्वायर। अच्छा डबल डेरिवेटिव क्या आया, डबल डेरिवेटिव माइनस वन आया था, माइनस वन और टू का फैक्टोरियल। अच्छा प्लस जब तीसरी टाइम डेरिवेटिव लिया तो क्या आया, एक्स माइनस ए क्यूब, और तीसरी टाइम डेरिवेटिव लेने पर टू आ रहा था, थ्री का फैक्टोरियल। अच्छा अब आखिरी है एक्स माइनस ए पावर फोर, ठीक है, और अब आया माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर का फैक्टोरियल। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप यहाँ तक कोई परेशानी मुश्किल नहीं हुई होगी। अब आगे चलते हैं, अब मुझे थोड़ा सा ना ऊपर रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बची है, इसको लिख लो एज इट इज़ लिख लो अपने पास, तो मैं ऊपर रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं फ़ाइनल आंसर अपना लिख सकूँ। तो बाकी हमने सारा काम सही किया है, बस जस्ट फाइनल आंसर लिखना है हमने, ठीक है ये लो, रिमूव हो गया। अच्छा देखो हमारे लिए, हमें क्या लिया था, एल एन एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो ख़त्म कर दो। हाँ पहला क्या आ गया आपके पास, एक्स माइनस वन, ठीक है वन उसके साथ मल्टीप्लाई होके जो है वही रहेगा। अच्छा उसके बाद देखो माइनस प्लस माइनस आ गया, एक्स माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड टू का फैक्टोरियल, ठीक है प्लस टू आ गया। अब देखो टू लिखने से पहले थ्री का फैक्टोरियल सिक्स होता है, तो टू डिवाइडेड बाई सिक्स, ये देखो मैं ज़रा करके दिखा दूँ कैलकुलेटर से ताकि आप बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो, टू डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल, टू डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल वन अपॉन थ्री, सही। चाहे तो टू लिखो या इस तरह लिख लो, एक्स माइनस वन ये हो गया आपका थ्री, सही प्लस। अच्छा अब ज़रा यहाँ देखो सिक्स डिवाइडेड बाय फोर का फैक्टोरियल, तो ये आएगा आपके पास वन अपॉइंट फोर, तो एक्स माइनस वन पावर फोर फोर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बस एक स्टेप ही ऊपर गया हमारा, बाकी सारे स्टेप्स नीचे आ गए थे। अब इसे मैच करते हैं क्या सही करें या गलत किया है। तो देखो माइनस प्लस का ख्याल रखना है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, बाकी सही है। अब देखो मैच करते हैं, एक्स माइनस वन बिल्कुल सही है, माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू बिल्कुल सही है, प्लस एक्स माइनस वन का क्यूब अपॉन थ्री बिल्कुल सही है, माइनस एक्स माइनस की पावर फोर अपॉन फोर बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखो साफ सुथरा अच्छा सा काम किया ना, हमारा आंसर ठीक आया। अब इसी तरह टेलर सीरीज़ की मदद से हम और भी सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट एक और ईजी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सोल्यूशन गेटिंग। अच्छा सबसे पहले फंक्शन पहचानो, फंक्शन क्या दिया हुआ है, वन अपॉन एक्स, ठीक है ए हो, ए आपको क्या दिया हुआ है या एक्स आपको क्या दिया हुआ है, वन, ये याद रखना, ठीक है। अभी आगे पुट करेंगे, पहले टेलर सीरीज लिख लेते हैं, टेलर सीरीज। अच्छा टेलर सीरीज क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस, चाहे तो एक्स आगे लिख लो, या टेलर सीरीज़ को ना कभी कभार ऐसे भी लिखा जा रहा होता है, देखो पहले ए को लिख लिया, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको बाद में भी लिखा जा सकता है, एक्स माइनस ए, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि पीछे भी हमने कुछ इस तरह का काम किया था ना। अच्छा इसके नीचे वन आएगा, हाँ प्लस आएगा,
प्लस, सब में प्लस आता है, प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव ए और टू का फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस एक्स माइनस ए पर क्यूब और तीन टाइम डेरिवेटिव थ्री का फैक्टोरियल। इसी तरह ये आगे भी जा रहा है लेकिन मैं यहीं तक रुक रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ चार टर्म खोल दिए। अच्छा, अब आप ऊपर वाली को ज़रा सॉल्व कर लो। तो वन पुट कर दिया मैंने, तो वन अपॉन वन, क्योंकि हमें चार टर्म चाहिए तो इसलिए हमें वन आ रहा सर। तो पहला वन आ गया, अब आगे चलते हैं। अच्छा, पहला डेरिवेटिव लेते हैं, अब डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह आएगा, पावर शो हो जाएगी। अच्छा, डेरिवेटिव इसका लेंगे। अब देखो x को ऊपर ले जाके तो इस तरह हो गया। अच्छा, अब डेरिवेटिव ले लेते हैं ज़रा, तो माइनस आगे आ जाएगा और माइनस एक होके टू हो जाएगा, सही। डेरिवेटिव पता है ना किस तरह लेते हैं, x की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव, कि पावर आगे आ जाती है और पावर के साथ माइनस वन हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, वन है, तो वन पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस वन। समझ में आया कैसे आ रहा है? देखो, x वन आया और टू आया। अब वन के ऊपर कोई भी पावर हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, डबल होगा, सही। अब इसको यूज़ करोगे, वन पुट करने से पहली वाली टर्म को यूज़ करोगे, मतलब जो यूज़ करोगे फंक्शन को, तो माइनस और माइनस टू एक्स माइनस थ्री हो गया, तो ये हो गया आपका टू एक्स माइनस थ्री, सही है। अब आपने क्या पुट किया, आपने जस्ट पुट किया अपना वन, तो ये टू ही आना है, आपको पता है एक्स के ऊपर कोई भी पावर हो फ़र्क नहीं पड़ता। अब तीन टाइम डेरिवेटिव, अब इसी को यूज़ करना, तो टू है माइनस थ्री हो गया, एक्स की पावर माइनस थ्री हो गया, तो अब डेरिवेटिव अगर मैं इसका ले लूँ तो माइनस सिक्स हो गया, इसके वो माइनस थ्री हो गया। अब मैं इसको अगर वन पुट कर दूँ, जो कि हम करना अभी है, तो माइनस सिक्स आना है आपका, ठीक है, आपके आ गए सारे। अब टेलर सीरीज में पुट कर दो ज़रा, लिख लो चाहो तो पुट इन सीरीज, वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, उससे नहीं घबराना। देखो, मैं कभी कुछ लिख रहा हूँ कभी कुछ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या होना है, तो वर्डिंग को मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। एफ एक्स क्या है, वर्डिंग जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उस तरह भी लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, तो आपने एफ ए क्या निकाला था या एफ एक्स क्या निकाला था, वन निकाला था, सही है। एक्स और ए को एक ही जैसे ट्रीट करो यहाँ, उसके बाद आपका प्लस आया था, ठीक है, तो एक्स माइनस ए क्या है, वन, यहाँ पे एक्स वन पुट नहीं कर देना, ज़ीरो हो जाएगा वरना, ठीक है। अच्छा, एफ ए यानी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकाला था, माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन और स्क्वायर, देखो एक्स माइनस वन स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव क्या निकाला था आपने, सेकेंड डेरिवेटिव आपने टू निकाला था और टू का फैक्टोरियल। अच्छा, एक्स माइनस वन क्यूब, एक्स माइनस वन क्यूब, और थर्ड डेरिवेटिव आपने क्या लिखा था, माइनस सिक्स और थ्री का फैक्टोरियल। थ्री का फैक्टोरियल हमारे पास सिक्स ही आ रहा था, तो इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर लिख देते हैं एडजस्ट करके, तो ये वन आ गया, माइनस इसके साथ हो गया माइनस आ गया, एक्स माइनस वन हो गया और टू से टू कैंसिल हो गया, प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो गया और माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस वन का क्यूब हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है, मगर मैं इसे मैच करूंगा उसके बाद फाइनल कहूंगा, ठीक है, जैसे हर बार करता हूं। तो वन बिल्कुल सही है, यानी वन अपॉन एक्स वन, देखो ये पहली टर्म हो गई, माइनस एक्स माइनस वन दूसरी टर्म हो गई, प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर तीसरी टर्म हो गई, माइनस एक्स माइनस वन का क्यूब चौथी टर्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बस छोटा सा एक काम कर लो कि यहाँ पर ना ये शो कर दो, इसका मतलब है ये मज़ीद आगे भी चल रहा है, रुक नहीं रहा, ठीक है। लेकिन हमने चार टर्म्स निकाली हैं, एक दो तीन चार टर्म्स। चलो, अब इसी का पार्ट थ्री कराऊं या ना कराऊं, आप खुद कर लोगे। चलो, आपके दिल की आवाज़ है सर करा दें तो करा देते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट थ्री, सॉल्यूशन की हेडिंग काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आसान ही है, चलो अब उसको करते हैं। देखो, साइन एक्स दे दिया इन्होंने पावर में आपको ना, मतलब साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फंक्शन क्या लिखा था मैंने,
साइन एक्स, ठीक है। अब आपको पता है यही आपका एक्स है, तो सबसे पहले टेलर सीरीज मेंशन कर देते हैं। टेलर सीरीज हो जाएगा इस तरह, तो ये टेलर की सीरीज। अच्छा, टेलर की सीरीज आपके पास क्या है? टेलर की सीरीज आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू एफ ई प्लस एक्स माइनस ई एफ ई प्लस एक्स माइनस ई का स्क्वायर टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ए का क्यूब थ्री का फैक्टोरियल। बस अभी यहीं तक रोकते हैं, मज़ीद आगे भी चलेगा मगर अभी यहीं तक रोकते हैं। हम यहाँ तक रोक लेते हैं अपना काम। थोड़ा सा ब्राइटनेस को मैं डाउन कर देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाए। अच्छा, अब हम ज़रा अपना पुट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, तो मैंने पुट किया साइन एक्स की जगह पुट कर दिया पाए बाय फोर इक्वल टू साइन पाए बाय फोर। द आंसर इज एफ पाए बाय फोर। तो ये हो गया आपका साइन का क्या आएगा यहाँ पर, मतलब इसका क्या आएगा, कैलकुलेटर से निकाल लो अगर पता नहीं है तो। वैसे तो वन आना चाहिए, पाए बाय फोर है ना। हाँ अच्छा, वन नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, वन नहीं आ रहा क्योंकि वो रेडियन में नहीं है ना। देखो अगर आपको पता भी होगा ना तो भी आप आंसर सही निकाल लेते हो। अच्छा ये भी यही आ रहा। अच्छा अभी भी वो रेडियन में गया नहीं है, अब रेडियन में, अब डिग्री में आ गया है। ठीक है, साइन पाई बाय फोर, तो ये तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कोई छोटा नंबर दे दिया इसने, वेरीफाई कर लेते हैं। सही आ रहा है लेकिन ये दे नहीं पा रहा। चलो इसको मैं ज़रा सही से करके, अच्छा हाँ पाए में ही हमें रखना पड़ेगा, डिग्री में नहीं रख सकते क्योंकि हमें, मतलब रेडियन में ही रखना पड़ेगा, डिग्री में नहीं रख सकते क्योंकि देखो हम पुट क्या कर रहे हैं, रेडियन पुट कर रहे हैं ना, तो ये तो गलत हो जाएगा अगर हमने उसको वैसे करा दिया तो। हाँ ये सही आ रहा है। वैसे आपको नज़र आ नहीं रहा होगा शायद, लेकिन स्क्वायर रूट टू अपॉन टू आ रहा है। अब मज़े की बात यह है कि पीछे उन्होंने जब आंसर देखोगे ना तो वो ये नहीं लिखा हुआ। वैसे ये भी ठीक ही है लेकिन आपको पता होना चाहिए ये बराबर है वन अपॉन टू के, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको ये बात नहीं पता, चलो कोई मसला नहीं है। देखो स्क्वायर रूट टू, बल्कि दोबारा वही आ जाएगा, यहाँ देख लो स्क्वायर रूट टू टू। तो देखो मैंने स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई करा दिया, स्क्वायर रूट टू डिवाइड करा दिया, सही है। स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट टू ही जो है वो आपके पास डिवाइड भी हो गया, ये स्क्वायर रूट आएगा, सही है? अब सही है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी ये टू टाइम हो गया, इस तरह स्क्वायर आ गया और ये टू आ गया और ये आ गया। तो ये क्या होता है आपके पास, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, टू टू और ये टू से टू कैंसिल, तो वन अपॉन ये। आप समझ में आया कि मैंने इसको क्यों लिखा? ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इसको अपने पास लिख भी लेना। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब डेरिवेटिव कर लेते हैं, या तो आसान है डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा। देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। अब जस्ट डायरेक्ट आप पुट कर दो कि आपके पास पाए बाय फोर था इक्वल टू ज़ीरो और पाए बाय फोर था। अब कॉस पाए बाय फोर पुट कर दो, लिख लो, बल्कि भूल ना जाओ ना इसलिए लिख लो, इधर जगह बच रही है ना इसलिए ऐसे कर। देखो कॉस पाए बाय फोर, देखो अगेन ये आ रहा है और आपको पता है ये किस चीज़ के बराबर है, वन अपॉन स्क्वायर रूट टू, वन अपॉन स्क्वायर रूट टू, सही है, कोई मसले वाली बात तो नहीं ना। अब डबल हो जाएगा डेरिवेटिव का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, पढ़ चुके हम, तो वही पुट कर दो जो पुट करते आए हो, साइन पाए बाय फोर। अच्छा एक चीज़ याद रखना है, नेगेटिव भी आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव। अच्छा अब अगर मैं ज़रा इसे सॉल्व कर लूँ, आप लोगों से पूछूँ कि क्या जवाब आएगा, तो ये देखो साइन पाए बाय फोर क्या आया था, वन अपॉन स्क्वायर रूट टू, तो यहाँ भी वही आएगा, जस्ट माइनस आ जाएगा, करके देख लो कैलकुलेटर से, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा देखो एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म इधर से आ जाएगी, चलो चार टर्म हो गए आपकी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस,
लेकिन इस बार माइनस भी आएगा, तो माइनस कॉस पाई बाय फोर। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही चीज़ आएगी लेकिन बस माइनस के साथ। क्या किया समझ में आया ना, जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉस एक्स था ना, तो एक्स किसके बराबर है, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर पिट किया तो मेरे पास ये जवाब आ रहा है, माइनस होगा जस्ट, पीछे प्लस था नीचे आया माइनस। अब सीरीज़ क्या आ रही है आपके पास, एफ एक्स किसके बराबर है, पुट इन सीरीज, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एफ ए क्या आया था, वन अपॉन स्क्वायर रूट टू। अच्छा उसके बाद आ गया आपका प्लस एक्स, ए क्या है, पाए बाय फोर, लिख लेना ठीक है। अच्छा उसके बाद पाए बाय फोर तो ठीक है, और फिर आपके पास ये क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया, वन अपॉन स्क्वायर रूट टू प्लस में। अच्छा उसके बाद क्या आया, x माइनस पाई बाय फोर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये क्या आया, ये आपके पास आया, इसको समझना ज़रा, मैं कर क्या रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगी बात। ये चीज़ क्या आई है, वन अपॉन स्क्वायर रूट टू, ये आपके पास नीचे आ रहा है स्क्वायर रूट टू। जब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा ना, देखो रेसिप्रोकल किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये टू नीचे था, इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये ऐसे हो जाना है, और स्क्वायर रूट टू टू के बराबर होता है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं सही, ताकि जगह बचे ना, हमें पता है काम क्या हो रहा है। एक्स माइनस फोर थ्री, थ्री तीन तक ही हुआ था ना, हाँ। अब हमारे पास आया वन अपॉन, लेकिन माइनस का, अच्छा यहाँ भी माइनस का आया था, डबल डेरीवेटिव में भी माइनस का आया था, डबल में भी ट्रिपल में भी, स्क्वायर रूट टू। अब आपको पता है यहाँ पर ये थ्री आएगा, थ्री अगर मैं इसको घुमाऊँगा तो ये यहाँ जाएगा है ना, तो यहाँ से हटा देते हैं, थ्री का फैक्टोरियल सही है। तो चलो अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, साइन एक्स इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट टू प्लस, इस चीज़ को ना आगे लिख लो, वन अपॉन स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस स्क्वायर पाई फोर प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस वन टू स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस पाई बाय फोर का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वन अपॉन सिक्स आएगा, वैसे तो थ्री का फैक्टोरियल लिख लो कोई मसला नहीं है, और एक्स माइनस पाई बाय फोर पावर थ्री, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अच्छा देखो अब इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं ठीक है गलत है, बज़ाहिर तो आसान लग रहा था लेकिन थोड़ा सा लेंदी निकला, मैं सोच रहा था आसान होगा, वैसे है आसान, मुश्किल नहीं है। देखो पाई बाय वन अपॉन स्क्वायर रूट टू बिल्कुल ठीक है, प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस पाई बाय फोर बिल्कुल ठीक है, और फिर आया माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर रूट टू, या टू का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, मसले वाली बात नहीं है, स्क्वायर रूट टू को बाद में लिख लो, टू का फैक्टोरियल लिख लो, देखो भाई इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है कोई भी, ये टू आ गया और ये टू का फैक्टोरियल आ गया, ख़त्म बात, आगे पीछे लिखने से क्या मसला बनता है। तो ये फिर ये आ गया एक्स माइनस पाई अपॉन फोर का स्क्वायर, और फिर माइनस, अच्छा यहाँ भी ये हुआ भाई कि बस इतना सा हुआ भाई कि अब देखो पेपर में आप ये याद करके तो नहीं जाओगे ना कि ये आगे लिखना है ये पीछे लिखना है, ये तो आपको पता है एक ही चीज़ है, टीचर भी आपको इस पर पूरे नंबर देगा अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है मैं बताता रहता हूँ जहाँ आप परेशान होते हो ना वहाँ मैं बता देता हूँ। चलो अब इसका आखिरी करते हैं पार्ट फोर, देखिए क्वेश्चन वैसा ही है जैसा इससे पहले वाला किया, जस्ट डिफरेंट ये है, मतलब डिफरेंस ये है कि अब आपके पास कॉस आ गया है पिछले साइन दिया हुआ था, और यहाँ ए को चेंज कर दिया है, आप पता ही एक्स ही है, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है इन्होंने कॉस एक्स। अच्छा टेलर सीरीज आप जानते हैं क्या होती है, टेलर सीरीज, टेलर सीरीज क्या है, यहाँ लिख लेते हैं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा,
तो एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ ए पे फैक्टो मतलब प्राइम एक्स माइनस ए पर स्क्वायर डबल और एक्स माइनस ए पर क्यूब ट्रिपल और इसी तरह से इधर स्क्वायर का आ जाएगा इधर क्यूब आ जाएगा और ये फिर मज़ीद फर्दर आगे चलेगा। सही है, अब ज़रा मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर वो अपना इधर पुट कर लेते हैं। तो एक्स पुट किया आपने पाई बाय टू, ये बात तो और कोई बच्चा जानता है कि कॉस पाई बाय टू इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। ये तो पहली टर्म तो आपके पास आई नहीं, अब आपको आगे काम करना पड़ेगा। देखो कंफ्यूजन हो रही है ना, तो देख लो कॉस पाई बाय टू यानी 90, देखो ज़ीरो आ रहा है, सही। अब हम लेते हैं अपने डेरिवेटिव। अच्छा डेरिवेटिव किसका लूँगा मैं, इसी का लूँगा बेशक। तो कॉस का डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ माइनस साइन होता है। अब ज़रा मैं अपना वो पुट कर देता हूँ। अच्छा इधर आसान हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये ना आपको पता है कि इसका जो मतलब इसका जो आप सॉल्व करोगे तो ये वन आ जाएगा माइनस वन, ठीक है वन आ गया। चलो ये भी देख लो भाई साइन पाई बाय टू, देख लो वन और फिर माइनस था तो माइनस वन। अच्छा अब अगेन आप कॉस आ जाएगा, आपको डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे इसमें, तो ये आ गया आपके पास माइनस कॉस, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस। ये पुट कर लेना ठीक है साइन कॉस कॉस, तो ये आपका इधर भी पुट करो, तो ये हो गया आपका, चाहो तो एक्स भी लिख सकते हो मसला नहीं है, लेकिन जो पुट कर रहे हो वो लिख दो ज़्यादा अच्छा है। ये आपका अगेन ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा अभी सिर्फ आपके पास एक ही टर्म आई है, अब आपको इस तरह से चार टर्म्स चाहिए, तो अब इसका ना जवाब थोड़ा सा बड़ा बनेगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया। अब देखो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया साइन पाई बाय टू, तो ये क्या आ रहा है आपके पास साइन पाई बाय टू आपके पास वन आएगा, ऊपर माइनस वन था या वन आएगा। अच्छा अब मज़ीद फर्दर आगे की तरफ चलते हैं। अब ये देखो ये फिर ज़ीरो बन जाएगा, फोर टाइम डेरिवेटिव चल रहा है क्योंकि वो कॉस आना है फिर से। देखो साइन का डेरिवेटिव, देखो माइनस माइनस से प्लस होगी ना, साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉस एक्स। बस आपको जो है ना इस तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि हो जाए फिर आपका जवाब। तो क्या आएगा आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसने ज़ीरो देना है, ज़ीरो आ गया ठीक है। अब पांचवी टाइम डेरिवेटिव, इस तरह डेरिवेटिव चलते रहेंगे, साइन कॉस में तब्दील होता रहेगा। अच्छा तो कॉस का डेरिवेटिव दोबारा माइनस साइन आ गया, तो फाइव एक मिनट साइन कॉस कॉस सही है साइन है माइनस साइन पाई बाय टू, तो ये अब आपका फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये फाइव आपके पास आ गया माइनस वन, सही है भाइयों। मुश्किल तो नहीं हुई समझने में, बस थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ गया, लेकिन आई होप कोई मुश्किल नहीं हुई हो समझने में, इतना मुश्किल नहीं था ये, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इसको मज़ीद जो है वो सिंपलीफाई करते हैं। ये किधर कितना खुल गया है, ये फाइव तक खुल गया है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब मज़े की बात बताऊँ, अभी हमें और डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, क्यों एक दो तीन, अभी तो तीन टर्म आई हैं हमें चार चाहिए, तो ये ज़ीरो तो टर्म्स ख़त्म कर देंगे, तो इस तरह हमें ऐसे नंबर चाहिए जो नॉन ज़ीरो आए। तो मज़े की बात है, अब आपको सेवन टाइम डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, इधर घबराने वाली बात नहीं है, बस मज़े की बात है। तो ये आ गया आपका माइनस और माइनस
कॉस एक्स, सिक्स टाइम हो गया, वही हो गया आपका पाई बाय टू, तो ये हो गया कॉस पाई बाय टू, तो ये आ गया आपका सिक्स और ये आ गया पाई बाय टू इक्वल टू ज़ीरो। असल में ये साइन कॉस के अल्टरनेटिव चलने की वजह से हो रहा है। अब देखो साइन का डेरिवेटिव, आई थिंक हमसे एक मिस्टेक हो रही है, वो ये हो रही है कि साइन का डेरिवेटिव ना माइनस कॉस नहीं होता, सिर्फ कॉस होता है। ठीक है, तो कॉस हो गया, तो यहाँ माइनस आ गया, वैसे ज़ीरो आया कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी यहाँ अगर गलती कर गया तो मसला आ जाएगा। अब देखो साइन का डेरिवेटिव क्या, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन। अब सही है, पहले थोड़ा सा एक मिस्टेक कर गया था मैं, लेकिन चलो उसको मैंने उधर ही ठीक कर दिया। तो ये हो गया आपके पास साइन पाई बाय टू, थोड़ा सा करीब करीब करके लिख दिया, लेकिन आई होप अब आपको मेरी राइटिंग समझ में तो आने लग गई होगी, इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो, बना गया सही है। तो देखो ये काम होना था, अब आपको ना इस सीरीज़ को सेवन तक खोलना पड़ेगा, यानी एक्स माइनस ए की पावर सेवन आ जाए और ये भी सेवन आ जाए। अब मैं जगह कहाँ है मेरे पास, मैं ये सोच रहा हूँ मैं कि लिखूँगा, चलो मैं कोशिश करता हूँ। देखो इस चीज़ को याद रखना कि जब मैंने x माइनस टू रखा था तो ज़ीरो आ गया था, बस इस चीज़ को याद रखना, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए अब करना। सही, अभी इस टेलर सीरीज़ को मिटा रहा हूँ, आप लोग नीचे से ही काम करना, डेरिवेटिव्स नहीं मिटा रहा, ठीक है, डेरिवेटिव्स तो चाहिए मुझे। अच्छा अब ज़रा मेरी बात सुने, किक करके टेलर सीरीज़ के ऊपर आ जाते हैं। टेलर थोड़ा सा मैं अगर और झुका ना बोर्ड की तरफ तो यकीन मानो मैं बोर्ड पे गिरा हुआ हूँगा, क्योंकि मैं बहुत समझो मेरा हाथ कितना आगे तक आ रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। अच्छा अब टेलर सीरीज़ कहाँ से शुरू हो रही थी कि एफ एक्स, अच्छा वो क्या था कॉस एक्स, याद रखना, पूरी सीरीज़ लिख दूँ फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। एफ ए, याद रखना ए की जगह मैंने पाई बाय टू पुट कर रखा है, लेकिन डेरिवेटिव से आप पहचान सकते हो कि देखो ये एफ ए है, यानी इसी की बात हो रही है, डेरिवेटिव नहीं हुआ ना। पहले एक्स माइनस ए लिख लेते हैं, एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर टू का फैक्टोरियल। अच्छा अब मजीद चलते हैं आगे, एक्स माइनस ए क्यूब थ्री का फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ए की पावर फोर फोर का फैक्टोरियल प्लस, देखा मैंने आपको कहा था ना ये इस तरह से आगे खुलता रहेगा, कुछ नहीं कर रहा, जस्ट एक एक करके नंबर आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, पैटर्न नज़र आ रहा होगा आपको। सिक्स का फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर सेवन एफ, एक मिनट जरा सही करके लिखते थे, सेवन का फैक्टोरियल। मज़े की बात बताऊँ, ये यहाँ भी नहीं चल रुक रहा, आगे भी चलता रहेगा। ठीक है तो यहाँ तक आपने लिख लिया, अब इसका आगे काम करते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट मैंने सारी जो टर्म्स आनी थी टेलर सीरीज़ की वो लिख दी हैं। अब मैंने शुरू में ही कहा था थोड़ा सा मुश्किल होगा, याद है ना साइन हमने किसके बराबर लिया था, कॉस। अब मैं लिखता जाऊँगा और मिटाता जाऊँगा, ये ज़ीरो आया था, यहाँ लिखा हुआ भी है, तो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आ गया था। ठीक है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास क्या था, माइनस वन, तो एक्स माइनस ए और माइनस वन, जो ज़ीरो आ गया उसे डायरेक्ट हटा देते हैं। स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव पे भी देखो ज़ीरो आ गया था, ट्रिपल डेरिवेटिव पे आपके पास आंसर आ गया था एक्स माइनस ए क्यू, अब ट्रिपल डेरिवेटिव पे क्या आया वन, तो वन लिख दिया। देखो अच्छा थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा नीचे की तरफ भी जाना होगा फर्दर। चलिए अच्छा फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लिया तो ज़ीरो आ गया था, लिख रहा नहीं हूँ मैं। अब जब मैंने फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव लिया था तो वन आ गया था। देखो जो ज़ीरो आ गया उसे डायरेक्ट हटा देते ना, वरना तो फिर लंबा लिखना पड़ जाएगा। तो फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव लिया था एक्स माइनस ए फाइव, तो आया क्या था माइनस वन। अच्छा प्लस सिक्स टाइम डेरिवेटिव लिया तो भी ज़ीरो आ गया था। और अच्छा एक हमसे मिस्टेक हो रही है,
इधर आएगा हमारे पास क्यूब और इधर आएगा हमारे पास 5 का फैक्टोरियल। देखो ये रहा ना, अगर x माइनस 3 है तो वो क्यूब आ रहा है, ठीक है, फिर x माइनस 5 है तो वो 5 आ रहा है। 6 पे 0 आ जाएगा, 7 पे आएगा x माइनस e 7, और 7 पे आया क्या आपके पास, 1 आया 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये फाइनल हो गया, बच्चा सब इसको थोड़ा आंसर बना के लिख देते हैं। कॉस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस आएगा आपके पास। अच्छा ए क्या था, ए भी पुट कर दो, पाई बाय टू था, याद है ना, पाई बाय टू पुट कर रहा था। अच्छा प्लस उसके बाद आपके पास आ रहा था तो 1/3π, इसको आगे करके लिख लिया x माइनस पाई बाय टू, बस कुछ नहीं किया, इसको आगे लिख दिया और एक ही जगह पाई बाय थ्री पुट कर दिया। 1/5 माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है, तो x माइनस पाई बाय टू और ये 5 प्लस 1/7 का फैक्टोरियल x माइनस पाई बाय टू की पावर 7, ये फाइनल आंसर है। तो देखो कभी कभार थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, लेकिन हम कर लेते हैं आराम से। माइनस x माइनस पाई बाय टू बिल्कुल सही है, प्लस 1/3 फैक्टोरियल x माइनस पाई बाय टू 3 का क्यूब, माइनस 1/5 फैक्टोरियल x माइनस पाई बाय टू 5 का फैक्टोरियल, प्लस 1/7 x माइनस पाई बाय टू 7 का फैक्टोरियल। चलो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने अब एक और इजी क्वेश्चन है, डस ये कह रहे हैं मैकलॉरिन सीरीज ऑफ द फंक्शंस, आपको ना फंक्शंस दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं इन फंक्शंस पर मैकलॉरिन सीरीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, यानी अगर इनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती, आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करो, ज़ीरो नहीं आ रही, इसको ज़ीरो पुट करो, ज़ीरो नहीं आ रही, तो फिर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़ीरोस आ रही हैं तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं करके दिखाता हूँ, सॉल्यूशन हेयर हेयर वी चेक मैकलॉरिन सीरीज एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट करती है नहीं। देखो ये मैंने क्या रख दिया, यहाँ रख दिया मैंने ज़ीरो, तो 1/0, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही बनेगा आपका, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, ये तो आपका आंसर ही आ गया। सबसे पहले देखो मैंने किया क्या, ज़रा समझ लो, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू मैंने ज़ीरो रख दी, अब समझ में आ गया 1/0, ठीक है, इनडिफाइंड फॉर्म बन गई। अच्छा नहीं एग्जिस्ट कर रही, नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ अच्छा लिख देता हूँ मैकलॉरिन, क्योंकि तो कोई इन्फेनाइट आ रहा है ना, मैकलॉरिन सीरीज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा इस पे तो नहीं आ रहा, इसको चेक करते हैं, इसको रोक देते हैं, ये भी ज़ीरो दे देगा आपको ना, इसको भी अगर करो, ये देखो कॉसेक एक्स, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो गया ज़ीरो, हाँ जी है बल्कि, तो कॉस एक मिनट रुको भाई, कॉसेक ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो आ गया आपके पास, तो यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ भी सेम लिख देना वर्डिंग, क्योंकि देखो साइन आ रहा है ना, 1/sin वही होता है, अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिखूँ तो ये ऐसे बनेगा साइन ज़ीरो नॉट एग्जिस्ट, ठीक है सेम वर्डिंग लिख देना। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ भी सेम चक्कर आ गया ज़ीरो, यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, इनमें से किसी में भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा अब किसी का डबल, किसी का डेरिवेटिव लिख के चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव, क्योंकि देखो हो सकता है ज़ीरो पे एग्जिस्ट ना कर रही हो, आगे एग्जिस्ट कर जाए, देखो ऐसा हो सकता है ना, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही मगर आगे एग्जिस्ट कर जाए, मतलब फॉर एग्जांपल जो कोई टर्म है या कोई वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाए, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं ज़रा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा x 1/2, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा
तो 1/2 x 1/2 -1। तो जब आप इसके साथ माइनस कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 x और -1/2। तो पावर को यहाँ रहने देना तो अच्छी बात नहीं होती ना, नीचे ले जाते हैं। तो 1/2 x को मैं नीचे ले आया, पावर क्या हो गई, 1/2। जगह कम है इसलिए मैं सामने सामने लिख रहा हूँ। अब दोबारा x की वैल्यू 0 पुट करो। तो जब आप दोबारा 0 पुट कर रहे हो तो आप देख रहे हो वो अगेन एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखा, अगेन एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि देखो यहाँ तो x आएगा ना, चाहे जितनी टाइम भी डेरिवेटिव ले लो। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि कोई भी टर्म 0 के अलावा आ ही नहीं रही है, 0 ही 0 आया जा रहा है बार बार, चाहे जितनी भी बार डेरिवेटिव ले लो, तो ये होता है नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और कौन सी सीरीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैकलॉरेंस नहीं कर रही, टेलर की बात नहीं हुई है, टेलर अलग है, इस चीज़ को याद रखना, मिक्सअप नहीं कर देना। ठीक है, तो चलो आई होप समझ में आ गया, उसको यहीं तक रखते हैं। ग्रुप में आप लोग ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।